आज हम रेशियो का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन या रेशियो का ही एक अपग्रेडेड वर्जन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बैटमैन। मैं मंथली बैटमैन आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो उनके लिए जो थोड़ा कम स्क्रीन टाइम देकर के ट्रेड करना चाहते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, जिनका कुछ बिजनेस है, वो एक 200-250 पॉइंट का एक ट्रिगर पॉइंट सेटअप करके और ट्रेड को कैरी करना चाहते हैं, लाइक कम स्क्रीन टाइम दे करके ट्रेड में पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए मंथली बैटमैन। तो हम जो स्क्रिप्ट चूज करेंगे रोहित भाई, वो होगा निफ्टी का, ठीक है। एंड एंट्री जो करनी है आपको एवरी फ्राइडे ऑफ द मंथ एंड। इसका इनिशियल लॉजिक तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज एज एन ऑप्शन सेलर मैंने लोगों की एक टेंडेंसी देखी है कि वो जब एक ऑप्शन को सेल करते हैं तो दे टेंड टू टेक इट टू जीरो। ऑप्शन सेलर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो दो है, एक है आईवी स्पाइक और दूसरा है गामा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडर्स टॉक पॉडकास्ट। हमने आज फिर से एक बारी इनवाइट किया है कुंदन को। लास्ट टाइम कुंदन ने जो रिक्वेस्ट के ऊपर एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी वो एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी, जिससे आप लोग बहुत सेफ तरीके से प्रॉफिट किस तरीके से कमा सकते हो मार्केट से, वो हम लोगों ने शेयर किया था। वो स्ट्रैटेजी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। मैंने कुंदन भाई को फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस बारी कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिकली सिंपल स्ट्रैंगल या बैटमैन के अंदर कुछ करवाओ, जो मेरे व्यूअर्स जो हैं आराम से यूज कर सके विदाउट मच रिस्क। एंड ही वाज काइंड एनफ टू जॉइन अस वंस अगेन। सो वेलकम कुंदन भाई, कैसे हो? थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू सो मच मुझे दोबारा बुलाने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम जब आया था तो मुझे नहीं यकीन था कि आज लोग इतना पसंद करेंगे पिछली लेवल स्टार्ट को, तो थैंक्स अ लॉट। एंड पिछली बार की तरह मैं इस बार भी ट्राई करूंगा कि अपना बेस्ट हूँ और जो भी आपकी ऑडियंस हमें देख रही है वो इससे कुछ सीख सके और ट्रेडिंग करके कुछ पैसे कमा सके, तो थैंक्स अ लॉट। तो ये रही आज की पीपीटी, ठीक है। अपने बैकग्राउंड में तो ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में बात हो गई है हमारी, स्टिल थोड़ा बहुत है, आप लोग देख सकते हो। हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, मतलब सीधे स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। तो देखो, आज हम लास्ट सेशन में जब हमने बात करी थी रोहित भाई, उसमें हमने बात करी थी लैडर की, कॉल साइड हमने लैडर बनाया था, एसटीबीटी वो भी पोजीशंस थे, 2DT पोजीशंस थे, जो कि अभी तक जब से मैंने आपके साथ वीडियो शूट करा और अब तक सिर्फ एक वीक ऐसा गया है, मैं उसको क्योंकि रेगुलरली उसी सेम सेटअप को ट्रेड भी करता हूँ, तो सिर्फ एक वीक ऐसा गया बैंक निफ्टी में जिसमें हमें लॉसेस हुए हैं। अदरवाइज सारे ही वीक में जो हमने 0.6% का टारगेट डिस्कस किया था वो हर वीक हर दिन हिट होता है, सिर्फ एक वीक हमें 0.6 का लॉस हुआ, अदरवाइज बाकी वीक हमारे प्रॉफिटेबल गए हैं बहुत बड़े आराम से, हफ्ते के 8% 1.2-1.3% बने, ठीक है। तो अब उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हम डिस्कस कर रहे हैं आज, जो हम डिस्कस करेंगे कि लैडर में अगर देखोगे ना तो रेशियो की फैमिली से ही आता है, जो कॉल रेशियो पुट रेशियो होते हैं उन्हीं की फैमिली से ही लैडर आता है, जस्ट थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, राइट। तो हमने कॉल साइड पढ़ लिया, लेकिन अब ये था कि प्रीमियम्स तो पुट साइड अच्छे होते हैं, कॉल साइड अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो जस्ट उसी लैडर स्ट्रैटेजी को थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइक 1DT 2DT में उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि गामा वहां पे बहुत हाई होता है, उन्हें लगता है कि 100-150 पॉइंट के गैप अप में बहुत छोटी रेंज हो जाती है, 150-200 पॉइंट की रेंज, तो कभी गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। उन सिनेरियोस को टैकल करने के लिए आज हम रेशियो का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन या रेशियो का ही एक अपग्रेडेड वर्जन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बैटमैन, राइट। तो देखो, सिंगल साइड अगर हमने एक कॉल बाय करा और उसके आगे का दो सेल कर दिया तो वो रेशियो कहलाते हैं, राइट। लेकिन अगर एक साइड है तो वो रेशियो कहलाएगा, लेकिन एक पुट साइड में सेम रेशियो आपने बना लिया, लाइक कॉल साइड में 1:2 का आपने बाय सेल कर लिया और पुट साइड में 1:2 का बाय सेल कर लिया, उसको कंबाइन कर दिया, वो एक सेफ बनता है बैटमैन जैसा, राइट। बैटमैन की मूवी सब लोगों ने देखी है, फेमस है, तो वैसा सेफ बनाता है और उसी उन्हीं दो रेशियो को, एक कॉल रेशियो और एक पुट रेशियो, दोनों को कंबाइन करके जो बनता है वो बनता है बैटमैन, ठीक है। तो इस रेशियो की फैमिली में आपका सिंगल रेशियो जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी आपके पॉडकास्ट पे, तो रेशियो आ जाता है बैटमैन आ जाता है, सिंथेटिक रेशियो बनते हैं, ठीक है। फिर वेरिएशन रेशियो में ही बहुत सारे वेरिएशन है, 1:3, 1:4, 1:5, 1:20 तक लोग जाते हैं रेशियोज करने के लिए, डिपेंडिंग वो अलग अलग टर्म्स में आ जाएगा। लेकिन आज जो हम मेजरली डिस्कस करने वाले हैं वो हम इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बैटमैन, ठीक है। तो अगर हम बैटमैन की बात करें जो कि कॉल साइड और पुट साइड के रेशियो को मिला के बना जाता है, तो बैटमैन में भी मैं पर्सनली तीन बैटमैन ट्रेड करता हूँ। एक है मंथली बैटमैन कि वो पूरा एक महीने के लिए ट्रेड होता है, दूसरा है बाई वीकली बैटमैन जो कि मैं बाई वीकली ट्रेड करता हूँ, लाइक
15 दिन पहले मेरी एंट्री होती है और 7 दिन पहले मेरा एग्जिट हो जाता है। और एक है एसटीबीटी बैटमैन, एसटीबीटी बैटमैन मतलब कल एक्सपायरी है तो हम आज ही पोजीशन बना के जाएंगे और कल सुबह 10-11-12 बजे तक एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। ये तीन तरह के बैटमैन अभी के टाइम पे मैं पर्सनल लेवल पर ट्रेड कर रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियोस। हमेशा मैं बोलता हूँ जो लोग भी मुझे देखते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी कि मैं कभी भी एक स्ट्रैटेजी नहीं ट्रेड करता, मैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्रेड करता रहता हूँ। इट डिपेंड्स कि उस टाइम पे इंडिया विक्स कैसा है, मार्केट के डायनेमिक्स कैसे और सारी चीजें कैसे। कभी भी मेरा ये मानना है कि एक स्ट्रैटेजी सारे मार्केट कंडीशंस में वर्क नहीं करती। आपको मार्केट का डायनेमिक समझना पड़ता है कि शॉर्ट वे का ट्रेड डालने से अच्छा रहेगा इस टाइम पे, कि लॉन्ग वे का ट्रेड डालने से अच्छा रहेगा मुझे। लाइक जो प्लेसेस हो रहे हैं, लाइक नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, वी शेप रिकवरीज आज के टाइम पे होती है, तो वैसे सिनेरियो में क्या ट्रेड करें ताकि रिस्क, जैसे आज के टाइम पे मैं रेशियोज कर रहा हूँ और लैडर कर रहा हूँ। रीजन कि रिस्क एक साइड मुझे रखना है, आज के टाइम पे अचानक से डिप भी आता है और फिर उससे स्पीड से बाइंग भी आती है, तो अगर आप दोनों साइड में रिस्क लेके जाते हो ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक अगर आप वीकली स्पेशली ट्रेड कर रहे हो तो इस वजह से मैं रेशियो ही कर रहा हूँ, लैडर कर रहा हूँ कि एक साइड रिस्क रखो, एटलीस्ट नीचे आए तो मुझे ये ना रहे कि नीचे साइड का भी लॉस हो रहा है, मैं आराम से चिल करके बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीन बैटमैन हो जाते हैं। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे रोहित भाई वो हम मंथली बैटमैन करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी वीकली कर चुके हैं, एक 2 DT ट्रेड आपके चैनल पे ही डिस्कस कर चुके हैं। मैं वीकली बाय वीकली में नहीं जाना चाह रहा था, मैं मंथली बैटमैन आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो उनके लिए जो थोड़ा कम स्क्रीन टाइम दे करके ट्रेड करना चाहते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, जिनका कुछ बिजनेस है, वो एक 200-250 पॉइंट का एक ट्रिगर पॉइंट सेटअप करके और ट्रेड को कैरी करना चाहते हैं, लाइक कम स्क्रीन टाइम दे करके ट्रेड में पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए मंथली बैटमैन, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे एंड सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या कब डिप्लॉय करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितना पोजीशन साइजिंग होगा, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, सारी चीज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीधे रूल्स पे आते हैं कि कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में करेंगे, बैंक निफ्टी में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पहले क्या था ना कि जब तक ये ऑल डे एक्सपायरीज नहीं थी तो मंथली एक्सपायरीज में भी मंथली जो ट्रेड्स हैं उसमें भी अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती थी, बट आज के टाइम पे क्या है कि सारे ही दिन एक्सपायरी हो गई है, तो जो मंथली लिक्विडिटी थी ना अब उनको एक महीने के लिए क्वेश्चन बनाने नहीं है, वो हमेशा है कि एक एक दो दो दिन का ट्रेड्स चल रहे हैं आज तक। तो उस केस में थोड़ा सा ना बैंक निफ्टी में थोड़ा लिक्विडिटी इशू आ गया है, निफ्टी में पहले से थोड़ी लिक्विडिटी कम आ गई, मंथली के अगर हम बात करें जो आस्किंग रेट के स्प्रेड्स हैं तो वो एक इशू है। इस वजह से आप इसको बाय बैंक निफ्टी में ना ट्राई करो तो बेटर है। अगर आपको लिक्विडिटी इशू नहीं है, आपकी क्वांटिटी कम है, 10-20 लाख से ही कर रहे हो ट्रेड, उस केस में आप बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हो। उसके थोड़े रूल्स थोड़े डिफरेंट होंगे बट मोटा मोटी जो रूल्स होंगे वो इसी के आसपास होंगे, ठीक है। तो हम जो स्क्रिप्ट चूज करेंगे रोहित भाई वो होगा निफ्टी का, ठीक है। एंड एंट्री जो करनी है आपको एवरी फ्राइडे ऑफ द मंथ एंड, जैसे कि मंथली एक्सपायरी होती है थर्सडे को, करेक्ट, हर महीने के आखिरी थर्सडे को मंथली निफ्टी की एक्सपायरी होती है, एक्सपायर हो जाने दो, जो अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट आया फ्राइडे की शाम को आपको पोजिशन बनाए। एंट्री क्लियर हो गया कि फ्राइडे शाम को मंथ एंड के आखिरी फ्राइडे को या जो एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी के अगले दिन, मंथली एक्सपायरी के अगले दिन शाम को 3 बजे के आसपास आपको पोजीशन बनाकर जानी है ताकि अब आप नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकें, ठीक है। अब एक चीज और है कि अवॉइड द ट्रेड इफ क्रेडिट इज लेस देन 5%। अब क्रेडिट मतलब अभी हम ये जो ट्रेड बनाएंगे ना वो कुछ ऐसा दिखेगा, उसका पे ऑफ ग्राफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शो करा हुआ आपके सामने, तो उसमें ये जो बीच का पॉइंट होता है ना इसको क्रेडिट बोलते हैं। टोटल कितने रुपए का क्रेडिट आपने रिसीव किया, टोटल कितने रुपए का ऑप्शन आपने बेचा हुआ है, तो अगर आपके मार्जिन रिक्वायर्ड पे जो भी स्टैंडर्ड मार्जिन है उससे अगर वो क्रेडिट अगर 5% से कम आता है तो फिर उस केस में आपको ट्रेड नहीं लेना। मतलब जो भी हमारे रूल्स हैं अभी हम ये देखेंगे कि कैसे बनाना है। अगर ये बनाने के बाद आपको बीच का क्रेडिट 5% से कम आ रहा है तो आपको ट्रेड नहीं कैरी करना है। क्यों नहीं कैरी करना है, क्योंकि मंथली है, ठीक है। अब मंथली में हमारे जो टारगेट होंगे 3-3.5% के आसपास होंगे, अगर 3% कमाना है तो आपको 5% का क्रेडिट तो रखना ही पड़ेगा ना मिनिमम। अगर आप पांच परसेंट का नंबर मतलब एग्जैक्टली क्या है, जैसे कि मैं देखो मतलब एक तो मान लो आपकी एक ट्रेड को करने में जितना टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड है उस मार्जिन के अगेंस्ट कितना क्रेडिट आप ले रहे हो। करेक्ट, यहाँ पे जैसे हमने अगर मान लो अभी अगर हमें बनाना हो, लेट्स से मैंने बनाया, ठीक है मैं बना भी देता हूँ,
अच्छा फिर मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या बनाया कैसे बनाया, ठीक है। मैं क्रेडिट समझा दूँ तो थोड़ा ज़्यादा सही। हमने एक 400 पॉइंट से दूर ओटीएम बाइक किया, सबसे पहले 400 पॉइंट दूर ओटीएम बाइक किया, उसके 200 पॉइंट दूर जाके ये 400 पॉइंट दूर बाइक किया, फिर उससे 200 पॉइंट दूर जाके तीन लॉट सेल कर दिया, लाइक 1:3 का रेशियो बनाया, एंड देन हेज बाय कर रहे हैं इसका। उसके बाद हमने हेज बाय किया एंड सेम कॉल से में भी वही 400 पॉइंट दूर के आसपास आप बाय कर वो करके जाओगे अपना फर्स्ट बाइंग लेग, फिर उसके 200 पॉइंट दूर आपको सेलिंग लेग, तीन लॉट 1:3 का रेशियो बनेगा। डोंट वरी, अभी मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी जब वो साइड पे जाएंगे तो एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका एक आइडियल बैटमैन बन गया सर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेंटर की बात करें, लाइक ये दो कोन हो गए जो बैटमैन के शेप में, लेकिन ये जो बीच वाला आपको लाइन दिख रहा है, पतली लाइन जो दिख रही है, वो हॉरिजॉन्टल एक रेंज ग्रीन जोन दिख रही है, वहां पे अगर मैं क्रेट लेके जा रहा हूँ, लाइक एरो लेके जा रहा हूँ, तो 6.9% का क्रेट आपको दिख रहा है, यानी कि 1 लाख रुपए अगर स्ट्रीट को डालने में लगते हैं उस पर आपको 6.9% का क्रेट मिल रहा है। हमें टारगेट कितना करना है, 3-3.5%, मतलब हम पूरा 7% क्रेट लेके नहीं जाएंगे, तो 7% प्रॉफिट हम नहीं टारगेट करेंगे, 7% के क्रेट में से हमें 3-3% ही प्रॉफिट चाहिए, वो हमें मिलता है, हम ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर 7% है, 7% में से 3% निकालना आसान है ना, लेकिन अगर 5% से भी कम हो जाए, 4% का ही क्रेडिट मिले, फिर आपको पैसे नहीं बनेंगे, फिर उसमें बहुत स्ट्रगल होती है। तो ट्रेड को कब अवॉइड करना है वो भी हमें जानना जरूरी है, ट्रेड किस टाइम पे इम्पोर्टेंट है, राइट, किस टाइम पे वो एक्चुअली उस मार्केट कंडीशन को सूट कर रहा है कि नहीं, वो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहा है, वो जरूरी होता है। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि नहीं यही सेम रूल में सारे मार्केट कंडीशंस में काम करूं, तो कभी कभी प्रीमियम्स अच्छे नहीं होते और आपको लॉसेस होने लगते। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जो 6.9% आपको दिख रहा है ना यहाँ पे बीच में, ठीक है, वो 6.9% की जगह लेस देन 5% है, मतलब आपका जो भी मार्जिन लग रहा है, एस्टिमेटेड मार्जिन है, इस मार्जिन के ऊपर अगर 5% से कम का पोटेंशियल प्रॉफिट आपके पास दिख रहा है, फिर उस टाइम पे वो ट्रेड नहीं डिप्लॉय कर। क्लियर हो गई बात आपकी? ओके ओके, है ना। तो मैंने जो बोला यहाँ पे कि 5% का कम क्रेडिट, कि अवॉइड द ट्रेड इफ क्रेडिट इज लेस देन 5%, तो वो इसी रेंज की बात हो रही है कि अगर इस रेंज में 5% से कम का क्रेडिट है, तो हमें ट्रेड को नहीं डिप्लॉय करना, ठीक है। ठीक है, अब एक और कंडीशन हम रखते हैं कि चलो वो तो हो गया, वर्क्स वेल व्हेन विक्स इज अबव 13। अब इसका मैं विक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं अपने ट्रेड का। रीजन ये होता है ना कि अगर विक्स जो है 13-14 के आसपास चल रही है, तो प्रीमियम्स बहुत अच्छे मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, और अगर विक्स 13-14 से कम की चल रही है, लेट्स से 10 चल रही है, 12 चल रही है, तो प्रीमियम्स ही नहीं होते हैं सेल करने के लिए। वैसे केसेस में ऑप्शन सेलर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलर का प्राइमरी काम क्या है, प्रीमियम को सेल करना, और प्रीमियम सेल करने के लिए जब विक्स लो होते हैं तो प्रीमियम ही नहीं बचते, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, सबको ही होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती होगी एज एन ऑप्शन सेलर, राइट। तो अगर विक्स अबव 13 है तो दैट इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर दिस ट्रेड। अगर विक्स 13 के नीचे भी है, लेकिन अगर आपको उस रेंज में 5% का क्रेडिट मिल रहा है, तो भी आप ट्रेड डाल सकते हो। मतलब दो सिनेरियो हो गए, अगर विक्स आपके 12 पे ही है, लेकिन अगर आपको मंथली में वो जो क्रेडिट मैंने बताया वो मोर देन 5% मिल रहा है, 5.5-6%, फिर आप ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हो विक्स कहीं पे भी हो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है जहां तक मैंने इसको ट्रेड किया इस सेटअप को, उसमें 13 के ऊपर विक्स रहने पे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें जो टारगेट है रोहित भाई, ये हो गया, अभी हम सेटअप समझे नहीं, बनाते कैसे, जस्ट थोड़े रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम अगर टारगेट की बात करें, तो टारगेट हम 3% का टारगेट कर रहे हैं मंथली ऑप्शन, मंथली में हमें ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट एज ए नूब, एज ए न्यू ट्रेडर, एज ए बिगिनर ट्रेडर, आई वुड सजेस्ट कि आप 3% पे अपने ट्रेड्स को काट लो, प्रॉफिट पे एग्जिट कर जाओ, और धीरे धीरे विद टाइम, जैसे जैसे आपको ये स्ट्रैटेजी करने में एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे वैसे आप उसको और स्केल कर सकते हो और इन्हेंस कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को। लेकिन इनिशियल लेवल पे अगर आपको लाइक स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले 3-5 महीने में अगर आपको 3% का टारगेट डन हो जा रहा है, सिंपल ट्रेड से एग्जिट ले लो। धीरे धीरे आपको खुद भी समझ में आने लगा कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ, क्या चीजें कर सकता हूँ जिससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसका इनिशियल लॉजिक तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज एज एन ऑप्शन सेलर मैंने लोगों की एक टेंडेंसी देखी है कि वो जब एक ऑप्शन को सेल करते हैं तो
दे टेंड टू टेक इट टू जीरो. ठीक है, यहाँ पे यू आर जस्ट सेइंग कि ठीक है मुझे पता है मैं जीरो पे नहीं जाने वाला, तो मैं पहले ही दुगना क्रेडिट लेके चल रहा हूँ और उसका 50% के ऊपर मैं अपना टारगेट और स्टॉप और रिस्क रिवॉर्ड 1:1 लेके चल रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं पे मेरी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर वो 60% के ऊपर आने वाली है. ऊपर ही होगी, 70% के आसपास रहेगी बड़े आराम से. 60% में कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ. सो जो आपने बात बोली ना, मुझे वो बहुत सही लगी कि इनिशियली क्रेडिट ज्यादा लेके जाओ. अब देखो होता क्या है ना प्रॉब्लम मेरे साथ या मतलब ऑप्शन सेलर्स के साथ, ऑप्शन सेलर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो दो है, एक है आईवी स्पाइक और दूसरा है गामा. तो आईवी स्पाइक का तो हमें नहीं पता कि वो कब आएगा, राइट, लेकिन गामा का हमें पक्का से पता है कि एक्सपायरी के पास जाते जाएंगे तो गामा बढ़ता जाएगा और बहुत ज्यादा बढ़ेगा, करेक्ट. तो अगर हम हम ऑप्शन के तीन उसको जीरो तक, अगर आप मंथली पोजिशन में हो रहा, अगर आप जीरो तक उसको निचोड़ना चाहते हो ना, तो पहले 2-3 हफ्ते तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि गामा कम होता है, लेकिन आखिरी के वीक में जैसे आप एंटर करते हो गामा बहुत हाई होता है और एक भी बड़ा मूव 250-300 पॉइंट का मूव इधर उधर होने से आपकी पूरे महीने की मेहनत खराब हो जाती है, क्योंकि तो गामा बहुत हाई रहता है. आप थोड़ा थोड़ा करके आप 3 महीने में 2.5% 3% के क्रेडिट पे आए हो और आखिरी का 1 हफ्ते में या 2 दिन में अगर 300-400 पॉइंट की मूव आ गई, अचानक से एक स्पाइक आ गई है ना जो आजकल आई रही है कि अचानक से बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है, तो वैसे कंडीशंस में क्या होता है कि आप वीकली एक्सपायरी में बैठे होते हो, राइट, आप करंट एक्सपायरी में बैठे होते हो, वहां पे गामा इतना हाई हो जाता है कि आपकी 2-3 हफ्ते की मेहनत खराब कर जाती है, 3% का प्रॉफिट 2 मिनटों में उड़ जाता है. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने ये डाला हुआ है कि यार आप ज्यादा क्रेडिट लेके जाओ और आप वो जो गामा का रिस्क है ना वहां तक आप पहुंचो ही मत, आप वो एक्सपायरी से ट्राई करो कि एक्सपायरी से 10 दिन पहले ही एग्जिट ले लो, ताकि आप वो आप वो गामा से बच सको और आपको जो 3% का जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो सके. ठीक है, ठीक है. तो वो गामा को साइड रखने के लिए मैंने ये रूल बनाया. अब एक चीज और है, 3% ही मैं टारगेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3% टारगेट करने से अगर आप 3% के आरओआई जनरेट कर पाते मंथली, मैं कहता हूँ कि 12-12 महीने होते हैं, 12 से 36% हो जाते हैं. अब 36% में मैं कहता हूँ आपके 12 महीने में 2-3 महीने आपके थोड़े लॉसेस में गए, थोड़ा इधर उधर हुआ, मतलब हर महीने तो प्रॉफिट ऑब्वियसली नहीं आएगा ना, तो आपको 2-3 महीने में थोड़े लॉसेस हुए, ले दे के आप अगर इससे 24% भी बना रहे हो पूरे साल का, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 3 ट्रेड आपका 3 महीने आपका लॉस में गया, 1-2 महीना रिकवर करने में गया, तो भी अगर आपने 24% के रिटर्न बना लिए और बाकी का जो कैश है आपके पास उसको आपने प्लेज कर लिया, ठीक है, तो प्लेजिंग कैपिटल, क्योंकि मैं प्लेज करके ट्रेड करता हूँ, मैंने जीसेक में मैंने सारा पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ और जो जीसेक में यूज करता हूँ मुझे 7.38% का रिटर्न देता है पर एनम, और उस पे जो हेयर कट है सिर्फ 5% का, और मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं प्रमोशन वगैरह कर रहा हूँ किसी चीज का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स है उससे कुछ नहीं है, लेकिन मेरा वहां से कम मेरा 7% का टारगेट वहां से डन हो जाता है एनुअल बेसिस पे, और बाकी का जो 25% भी मैं अगर यहाँ से टारगेट कर लेता हूँ इन सारी स्ट्रेटेजी के थ्रू, तो मेरा साल का 30% हो जाता है, दैट इज माय टारगेट, उससे ज्यादा मेरे को बनाना ही नहीं है. और जब मैं ये टारगेट करता हूँ तो मैं ये मिक्सर कर लेता हूँ कि मेरा रिस्क हमेशा छोटा होगा, मेरे ड्रॉडाउंस बहुत कम होते हैं. 2023 में जुलाई 2023 के बाद मेरा हाइएस्ट ड्रॉडाउन सिर्फ 2% का है, जुलाई के हाइएस्ट के बाद अभी साल भर होने को है, सिर्फ मेरा 2% ज्यादा का ड्रॉडाउन कभी मेरे अकाउंट में नहीं गया है. ठीक है, तो ये जब आपके टारगेट्स डिसाइड होते हैं ना कि मुझे कितना बनाना है, आपको वो आप उसको उस टारगेट्स को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में बना लेते हो तो आप बहुत कंजर्वेटिवली ट्रेड कर पाते हो, तो ये मेरा अप्रोच रहता है. ठीक है, एंड इसमें जो एग्जिट भी है कि मान लो आपने ट्रेड को डिप्लॉय करा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपको अगर आपका एमटीएम 3% का लॉस शो कर रहा है एग्जिट विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट एग्जिट, क्योंकि अगर आप उसके बाद भी ट्रेड में बैठे हुए, इट मींस कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को, आप अपने डिसिप्लिन को, आप अपने ट्रेड प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हो, एंड वहां पे वो प्रॉब्लम बहुत करने वाला. तो इसमें टारगेट भी हम 3% का रखेंगे और इसमें लॉस का भी जो हमारा एग्जिट क्राइटेरिया होगा वो भी 3% का ही होगा, कि जिससे ट्रेड में हमारा 3% बना हम ट्रेड से बाहर होगा. ठीक है, ठीक है रोहित भाई, मंथली यहाँ तक क्लियर है. मंथली ऑप्शंस के अंदर 3% का लॉस डेट टू अर्न, दैट मींस डेट, दैट मींस कहीं ना कहीं पे जो आपकी अंडरलाइंग है बहुत ज्यादा वाइड मूव है और बहुत ज्यादा आपके अगेंस्ट चल रही है, बिकॉज टू कलेक्ट 5% क्रेडिट ऑन अ मंथली ऑप्शंस, इट मींस अगर आप वीकली के अकॉर्डिंगली कंपेयर करोगे, चाहे यहाँ पे 1 सिग्मा शो कर रहा है, बट एटलीस्ट यू आर 1200 पॉइंट्स फार. सो अगर I'm sorry. अगर 5-6% का मूव दे रहा है निफ्टी, तो
तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके की वॉलेटाइल मूवमेंट है उसके अंदर. करेक्ट, मतलब बड़े आपको वो 3% का लॉस देने के लिए आपको वन वे जाना पड़ेगा 4-5% के मूव के. ठीक है, तो ये हो गया रूल्स. आई होप कि रूल्स क्लियर हैं. अब हम समझते आते हैं कि ट्रेड्स बनाते कैसे हैं. ठीक है, तो देखो मान लो हमारा ये स्पॉट है. ठीक है, कोई भी मार्केट का स्पॉट है. मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, फिर अपने पे ऑफ पे भी आएंगे. ठीक है, स्पॉट से आपको क्या करना है, निफ्टी मंथली एक्सपायरी में बात करूँ, स्पॉट से 400 पॉइंट दूर आपको बाय करना है एक कॉल, और 400 पॉइंट दूर आपको सेल करना, अरे सॉरी, बाय करना एक पुट. देखो यहाँ एक्स मैंने लिखा हुआ, एक्स मतलब एक बाय, 3x मतलब 3 गुना, और 2x मतलब 2 गुना. x 3x 2x ये हमारे रेशियो रहेंगे. लेकिन इनिशियली आपको क्या करना है, इनिशियली आपको वो स्पॉट से 400 पॉइंट दूर कॉल और 400 पॉइंट दूर हमें पुट बाय कर लेना है सबसे पहले एक एक लॉट. ठीक है, तो करके देखते हैं, साथ साथ में कर भी रहे होते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, अब अगर हम अभी का हम स्पॉट देखें रोहित भाई, तो स्पॉट इज 24,850 है. तो मैं सीधे यहाँ से 400 पॉइंट दूर अगर मैं देखूँ तो देखा जाए तो 450 आएगा, है ना, टेक्निकली मंथली में. और आज का ट्रेड, मतलब आज हमने बहुत सही डेट डिसाइड किया हुआ है बनाने के लिए, क्योंकि अभी लास्ट फ्राइडे ही हमारा महीने का आखिरी फ्राइडे था. तो हम जो भी पोजीशन बना रहे हैं ना, वो एकदम ये जुलाई अगस्त मंथ के लिए एकदम परफेक्ट डेट और परफेक्ट प्रीमियम्स के हिसाब से. तो जो लोग अगर ये वीडियो जल्दी देखेंगे, ठीक है, अब तो खैर आपको लगेगा 2-3 दिन अपलोड करने में, लेकिन हाँ, मतलब आज अभी समझो कि एकदम जो ट्रेड बना रहा हूँ वो हर महीने आपको ऐसे ही बनाना है. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 400 पॉइंट दूर. व्हाट आई विल डू इज, अभी हमारा जो पे ऑफ ग्राफ बनेगा ना, उसको मैं ट्विटर के ऊपर टैग करके और टेलीग्राम के ऊपर आई विल पुट इट, आप भी पुट अप कर देना. उसके बाद जब वीडियो आएगा पीपल कैन अंडरस्टैंड इट दैट टाइम. आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड. आप इसको भी क्रिएट करोगे, मुझे इसका स्क्रीनशॉट देना. लेकिन क्योंकि रोहित भाई हम मंथली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो मंथली ऑप्शन में 50 स्ट्राइक्स कभी मत चूज करना, चाहे वो बाय के लिए करो, चाहे सेल के लिए करो, चाहे हेज के लिए करो, कभी भी मत करना. परेशान रहोगे, इलिक्विटी आएगी, स्प्रेड्स आएंगे, स्लिपेजेस आएंगे. हमेशा ट्राई करो कि 1,000 और 500 वाले स्ट्राइक्स ट्रेड करो. अगर नहीं मिल रहे तो 100 वाले स्ट्राइक्स ट्रेड करो मंथली ऑप्शंस में. 50 वाले स्ट्राइक्स कभी भी मत करना, इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा 50 पॉइंट और दूर जाते हैं. हम 24,400 की पुट हमने बाय कर दी. सेम वॉज ऑन कॉल साइड, अगर हम देखें टेक्निकली तो हमारा 200 आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे सॉरी 900 अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो 900 से 300 आती है. ठीक है, हमने 400 हमने 50 स्ट्राइक्स को अवॉइड कर लिया. लाइक 850 से 250 आता तो हम 50 पॉइंट दूर चले गए, मतलब 450 पॉइंट दूर जाके हमने कॉल बाय कर लिया और पुट बाय के लिया एक एक लॉट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब नेक्स्ट आते हैं जो हमारा नेक्स्ट है कि अब हमने 400 पॉइंट दूर बाय किया. अब 600 पॉइंट दूर, मतलब सेम वो जो हमारा स्पॉट है एटीएम से 600 पॉइंट दूर जाके हम पुट सेल करेंगे, और यहाँ पे भी 600 पॉइंट दूर जाके हम कॉल सेल करेंगे. लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि ये जो 600 पॉइंट दूर का हम कॉल और पुट सेल कर रहे हैं ना, वो 3 लॉट सेल करेंगे. 3x मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों साइड में. जो बाय कर रहे हैं रोहित भाई वो सिर्फ 1 लॉट है, और जो हम सेल कर रहे हैं वो 3 लॉट है. ठीक है, तो वो भी करते हैं, पहले कॉल साइड बाय करते हैं. अब 600 पॉइंट दूर, मतलब 600 पॉइंट दूर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लो कि जो भी स्ट्राइक हमने बाय करी है ना, उससे 200 पॉइंट दूर जाके सेल करना. फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो भी स्ट्राइक आप बाइंग करोगे, पहली बाइंग होगी ना, उस स्ट्राइक से, ये मान लो स्ट्राइक बाय करी, उससे 200 पॉइंट दूर जाके आपको सेल करना है. वहां पे मैंने 400 पॉइंट वो किया, 600 पॉइंट 450 ले रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने क्लियर कर दिया. 25,300 का कॉल हमने बाय करा है ना, तो इसको 200 पॉइंट दूर हो जाएगा 23,500. तो मैंने क्या बोला कि जो बैटमैन होता है वो कॉल रेशियो और पुट रेशियो का कॉम्बिनेशन होगा. हमारा कॉल साइड में तो रेशियो बन गया, पुट साइड में रेशियो बनाना है. पुट साइड में रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम जो पुट हमने बाय किया उससे 200 पॉइंट दूर जाके हमें पुट सेल कर लेना है. 400 हमने बाय करा था तो 200 हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे. ठीक है, हमने क्या कर दिया, कॉल रेशियो और पुट रेशियो बनाया और दोनों को जोड़ दिया. अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी मंथ में जब आपके
आईवी बहुत ज्यादा है, लाइक 15, 16, 18, 20 के आसपास इंडिया की वीक्स चल रही है। फिर वेस्ट कंडीशंस में ना आपको शायद 400 पॉइंट दूर थोड़ा ज्यादा ही प्रीमियम अवेलेबल हो, थोड़ा ज्यादा आपको वो मिले। तो वैसे कंडीशंस में एक एक स्टैंडर्ड रूल याद कर लो कि आपको कभी भी ये वन स्टैंडर्ड डिविएशन के पास वाले स्ट्राइक बेचनी है। अब वन स्टैंडर्ड डिविएशन का एक खूबसूरती ये होती है कि वो आईवी से कैलकुलेट होता है। तो अगर इफ आईवी इज हाई, लेट्स से इंडिया वीक्स 20 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये वन स्टैंड, ये जो वन एसटी है, वन सिग्मा है, ऑलरेडी बहुत 800 पॉइंट दूर बनेगा, 1000 पॉइंट दूर बनेगा, तो आप ऑटोमेटिकली उतने दूर पे शिफ्ट हो जाते हो। जैसे अगर हम ये जून वाले मंथ में अगर हम ट्राई करते हैं रोहित भाई, तो जून वाले मंथ में वन सिग्मा हमें 1000 पॉइंट दूर भी बेचते तो शायद मिलता कि नहीं मिलता, क्योंकि जून में इलेक्शन था, वीक्स पीक पे थे, है ना, तो वहां पे प्रीमियम्स भी बहुत, मतलब 1000 पॉइंट दूर के भी 250 रुपए के प्रीमियम्स अवेलेबल थे। तो वैसे केसेस में हम ये नहीं रखेंगे कि हमें 400 पॉइंट दूर करना है। हमारा मेन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम वन स्टैंडर्ड डिविएशन कवर कर सके दोनों साइड। तो ये 13 के आसपास के विक्स पे यही होता है, यही रूल्स बनते हैं कि 400 पॉइंट दूर बाइक है, उसके दूर का मतलब स्पॉट से 600 पॉइंट दूर कॉल सेलर, स्पॉट से 600 पॉइंट दूर पुट सेलर, ये हमारे एक स्टैंडर्ड रूल्स बन जाते हैं। लेकिन विक्स जब हाई होगा तो थोड़े ट्विकिंग करनी पड़ेगी आपको। उसका मैंने सिंपल एग्जांपल दे दिया कि आपको ध्यान रहे कि जो भी बेच रहे हो ना वो वन एसडी पे होना चाहिए। अब वो वन स्टैंडिंग कितना दूर भी हो, वो आईवी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है, तो आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ये बात समझ में आई रोहित भाई? डन है, ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम आ जाए तो उसके आगे है ना कि जो भी हमने ओटीएम सेल करा है, लाइक स्पॉट से 1200 से 1000 पॉइंट दूर जाकर के आपको ओटीएम बाय करना है दो लोग। अगर कंफ्यूजन हो रही है, ये समझ लो कि पहले 400 पॉइंट दूर जाके बाय किया, फिर 200 पॉइंट दूर हमने जब सेल किया, अब जो हमने सेल ले गया हमारी, उस सेलिंग लेग से हम कम से कम 600 से 700 पॉइंट दूर जाके हम अपने हेज बाय करें। पहले हमने 400 पॉइंट का बाय किया, फिर 200 पॉइंट का सेल किया, अब इस सेलिंग लेग से हम 600 पॉइंट 700 पॉइंट दूर और जाएंगे और अपने हेज बाय करेंगे। कितने लॉट? दो लॉट। क्यों? क्योंकि हम 3 लॉट सेल कर रहे हैं और हमारे पास अभी 1 लॉट ही बाइंग है। तो ये फुल हेज करने के लिए, अपने पोजिशन को फुल हेज करने के लिए हम 24,200 है ना, तो मैं यहाँ पे 23,500 के आसपास का 500, 600, 700, 800 पॉइंट दूर जाके हमें हेज बाय करना है डिपेंडिंग। तो मैंने 2 लॉट पुट बाय कर लिया। अब जैसे मैंने पुट बाय किया, आप देखोगे कि डाउनसाइड का जो रिस्क है दैट इज वो मेरा डिफाइन हो चुका। तो हमने ये पुट बाय कर लिया सिंपल। और सिमिलरली कॉल साइड में भी यही होगा कि कॉल साइड में 25,500 है तो 26,200 के आसपास, मतलब 600-700 पॉइंट दूर हम जाके हेज बाय कर। ठीक है, ये एक हमने यहाँ पे 700 पॉइंट दूर की हेज बाय करके हमने एक आइडियल बैटमैन बना लिया रोहित भाई। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 6.8% का क्रेडिट हमें मिल रहा है। एक लॉट को बनाने में हमारे 1,00,000 रुपए जा रहे हैं, अराउंड 1,10,000 रुपए, और इसमें 7,200 का प्रॉफिट पोटेंशियल है, यानी कि 6.8% का प्रॉफिट पोटेंशियल है। एंड ये हमारा एक मंथली बैटमैन बन गया। यहाँ तक समझ में आया कैसे बनाया हमने? बिल्कुल। अभी इसमें और थोड़े से हमें कुछ चेंजेस करने होंगे क्योंकि ये अभी भी ट्रेडेबल नहीं है। ट्रेडेबल क्यों नहीं है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ग्रीक्स में ना ये एक स्क्यूड है, मतलब कि इसमें जो ग्रीक है, इसमें जो डेल्टा है इसका नेगेटिव डेल्टा है। नेगेटिव डेल्टा जिसको नहीं समझ में आ रही है, आप यहाँ से समझ लो। आई होप कि जो लोग भी हैं आपके ऑडियंस वो T+0 लाइन को अच्छे समझती होगी। तो ये डॉटेड लाइन है ना, जो ब्लू लाइन है, वो T+0 लाइन बताती है कि हर दिन के मार्केट के मूवमेंट में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस ये ट्रेड दे सकता है। ठीक है, ये रहा स्पॉट। अगर हम देखें स्पॉट से रोहित भाई नीचे अगर हम आ रहे हैं, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हमें कोई लॉस नहीं, उल्टा में प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि अगर यहाँ से स्पॉट से 24,480 तक आता है, 490 तक भी मार्केट अगर गिर जाता है ना, तो हमें कोई लॉस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द T+0 लाइन। मतलब कि मार्केट यहाँ से 350 पॉइंट नीचे गिर जाता है ना, तब भी हमें कोई लॉसेस नहीं है डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर हम वही अपसाइड जाए, अपसाइड में अगले ही 100 पॉइंट पे भी अगर मार्केट 100 पॉइंट भी ऊपर जाता है, 834 था, 834 से 934 भी जाता है, तो हमें 0.4% का लॉस हो रहा है। और अगर हम 200 पॉइंट जाते हैं, अगर हम 200 पॉइंट मार्केट ऊपर जाते हैं ऑलमोस्ट, तो हमें 1% 0.9 के आसपास का हमें लॉस हो रहा है। तो हम नीचे देख रहे हैं कि 350 पॉइंट के फॉल पे भी कोई लॉस नहीं है, लेकिन ऊपर साइड में सिर्फ 200 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट पे हमें 1% 0.9% का लॉस हो रहा है, जबकि हमने हेज तो सेम रखा है,
हमने सेलिंग लेग भी दो डिस्टेंस पे रखा है, सेम डिस्टेंस पे हमने हेज भी सेम रखा है, अपसाइड मतलब कोई एकदम सिमिलर है, जिस जिस रेशियो में हमने कॉल साइड में बनाया उसी रेशियो में हमने पुट साइड में सेम डिस्टेंस रखा है, फिर भी ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है? तो इसके बोलते हैं स्क्यू। जनरली आपको इंडेक्स में मंथली पोजिशन कर रहे हो ना तो आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आयरन प्लाई बनाओ चाहे बैटमैन बनाओ इवन आयरन फाउंडर भी बनाओगे तो ये स्क्यू आपको इंडेक्सेस में निफ्टी मैकेफी में देखने को मिलता है, और अगर स्टॉक्स में करोगे तो उल्टा दिखेगा। स्टॉक्स में जो ब्लू लाइन है ना वो अपसाइड के लिए थोड़ी स्क्यूड रहती है, नेगेटिव स्क्यू होता है, इंडेक्स में पॉजिटिव स्क्यू। ये जो स्क्यू है, ये जो टी प्लस जीरो लाइन का डिफरेंस है, ये जो टी प्लस जीरो लाइन का बायसनेस है कि यार हमने डिस्टेंस सब रखा, क्वांटिटी डिस्टेंस सब कुछ सेम रखा बट फिर भी ये डाउनसाइड को फेवर कर रही है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं रोहित भाई, हम एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, हमारा डायरेक्शन कुछ भी क्लियर नहीं है, हम एक रेंज को ट्रेड करने जा रहे हैं कि 600 पॉइंट ऊपर 600 पॉइंट नीचे हमने कॉल और पुट भेज दिए और इस रेंज को हम ट्रेड करेंगे, करेक्ट है ना? तो लेकिन यहाँ पे तो देखा जाए अगर हम इस ट्रेड को अगर हम अभी देखें तो ये एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है, ये एक साइडवेज टू बेरिश ट्रेड है ना। साइडवेज टू बेरिश क्यों? क्योंकि 350 पॉइंट के फॉल तक को ये ट्रेड हमें सपोर्ट कर रहा है, तो इस वजह से मतलब 350 पॉइंट का फॉल मतलब ऐसा तो है नहीं छोटी बात है, उतना फॉल अगर हमें सपोर्ट कर रहा है इट मींस कि कहीं ना कहीं ये एक साइडवेज टू बेरिश ट्रेड होगा, एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं। इसको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बायसनेस है, ये जो स्क्यू है इस पेयर ग्राफ में, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एज सिंपल एज इट कैन गेट, हम लोगों ने वो वाला फ्राइडे देखा है व्हेन मार्केट शॉट अप बाय 1.6%, ठीक है, तो हम लोग विद द डायरेक्शन ऑफ द विंड है बट on the call side we are against the direction of the wind and market kahin na kahin pe us cheez ko anticipate karke bata rahi hai ki boss market kahin pe bullish bhi hai halki si. correct bilkul okay. ekdam simplify karke aapne bata diya, theek hai, lekin hum aise positions ko carry nahi kar payenge, aapne jo reason bola ki agar yahan se market upar jane lagega hame turant losses hone lagenge, to isko balance out karna padega, isko balance karna padega. balance karne ke liye jo main manta hu ki aapke paas do options hai Rohit bhai, pehla options hai कि आपने हेज या तो सेलिंग लेग को दूर कर दो, या तो सेलिंग लेग को दूर करने जाओ, ठीक है, कि लाइक 25,300 हम ना करके 400 या 500 हम बाय करेंगे और सेलिंग लेग जो है हमारा वो हम दूर कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो फिर आपका जो स्क्यू है अब देखोगे कि अब बैलेंस हो गया, ऊपर साइड में भी बैलेंस हो गया और ग्रीक्स भी देखोगे तो हल्का स्लाइटली पॉजिटिव ही हो गया जो कि पहले बेरिश था, पहला ऑप्शन ये होता है। लेकिन इसमें है कि डिस्टेंस फिर आपकी अलग, पुट साइड में आप 400-600 पॉइंट दूर बैठे हो, कॉल साइड में आप ज्यादा बैठे हो और बीच का जो क्रेडिट भी है तो वो कम होगा, जो पहले 7% का क्रेडिट था वो सिर्फ 5% पे रह गया क्योंकि डिस्टेंस आप दूर कर रहे हो तो प्रीमियम भी कम हो रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन होता है जो मैं पर्सनली उतना फॉलो नहीं करता हूँ कि यार क्यों रेंज छोटी करनी, अरे क्यों रेंज को साथ छेड़छाड़ मत करो, आप कुछ और कर लो, ठीक है। एक और है, एक और रीजन है, देखो समझो, मैं अगर 25,500 को मैं 700 पे लेके जा रहा हूँ तो जो 120 रुपए की पोजीशन थी, मतलब 120 रुपए का प्रीमियम हो 76 का हो गया, मतलब कहीं ना कहीं मुझे 50 रुपए पर लॉट सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, 50 रुपीज पर लॉट मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर मैं क्या करूँ कि मैं अपनी बाइंग लेग को हेज को अंदर ले आके मैं बैलेंस करने का ट्राई करूँ तो बैलेंस हो पाएगा क्या? क्या तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो 26,200 की कॉल है ना मैं उसको अंदर लेना स्टार्ट करूंगा और देखूंगा कि हाँ मेरा बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे, मेरा जो अगर हम ग्रीक्स वाले भी प्लेटफॉर्म पे आए, हाँ ग्रीक्स वाले पे भी आए तो 0.0 पहले यहाँ पे थे, 0.09 था, अब हमें इसको ना बैलेंस करना, न्यूट्रल करना, जीरो के आसपास लाना है। हम क्या करेंगे, 26,200 से 100 पे आए 0.05 हो गया, 26,000 पे आ गए 0.01 हो गया, और अगर हम एक स्ट्राइक और अंदर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हमने क्या किया 26,000 पे यहाँ, हाँ हाँ बेसिकली हमें अपना डेल्टा न्यूट्रल कर देना, डेल्टा न्यूट्रल कर देना। डेल्टा न्यूट्रल करने के आपने मुझे यहाँ पे दो तरीके बताए हुए हैं, या तो मैं सेल लेग को इंक्रीज कर दूं ताकि थीटा इंक्रीज हो जाए वहां, ठीक है, हाँ।
डिके जो है वो इंक्रीज हो जाए और डेल्टा का इफेक्ट कम हो जाए। दूसरी चीज आप मुझे बता रहे हो कि जो हेज पोर्शन है उसको आप थोड़ा सा अंदर को लेके आ जाओगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी नेगेटिव डेल्टा। जब मैं हेज वाली लेग को अंदर को लेके आऊंगा तो उससे एक पॉजिटिव डेल्टा ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव डेल्टा ऐड हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस समझो कि पहला जो हमारा एग्जांपल था कि हम सेलिंग लेग को दूर कर रहे हैं, सेलिंग डेल्टा जो 0.25 था उसको हम 0.18 पे ले आए तो डेल्टा हमारा मैनेज हो गया, पहला हमारे पास ऑप्शन था। लेकिन पहले ऑप्शन में अगर हम अभी जो प्रीमियम बेच रहे हैं 123 रुपीस का जो हम प्रीमियम बेच रहे हैं, अगर हम 200 पॉइंट दूर जाते हैं तो वो 76 के आसपास है, यानी कि कहीं ना कहीं 50 रुपए का नुकसान हो रहा है पर लॉट क्रेडिट में। लाइक अभी हम 123 रुपीस का क्रेडिट कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम 200 पॉइंट दूर जाकर पुट बेचते तो हमें सिर्फ 76 पॉइंट का ही क्रेडिट कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 50 रुपए का पर लॉट में नुकसान हो रहा है। वेयर एज अगर हमें डेल्टा ही न्यूट्रल करना है तो मैंने क्या किया, 26,200 की हेज को 26,000 पे ले आए, मतलब हम बाइंग लेग को ही पास ले आए। तो यहाँ पे जो हम पहले 16 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे थे वो 34 रुपीस का है ज्यादा से ज्यादा, कितने रुपए जा रहे हैं जेब से, 18 रुपए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग देखो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, हम लोग उस टाइम पे मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं जब मार्केट एकदम से बुलिश होकर जंप कर रही है, ठीक है। सो दैट मींस मार्केट ने कहीं ना कहीं पे तो एंटीसिपेट कर रखा हुआ है कि मैंने ऊपर जाना है, ठीक है। अब अगर हम लोग 50 रुपीज सेक्रीफाइस करते हैं एंड लेट्स से अपनी सेल लेग को आगे शिफ्ट कर देते हैं, इन दैट केस समवेयर वी आर इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनेबिलिटी ऑफ दैट ट्रेड, करेक्ट, ठीक है। अगर हम लोग आउटर हेज को अंदर ले आते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे हमारा डेल्टा न्यूट्रल तो कर देता है पर वो हमारी विन प्रोबेबिलिटीज को इंक्रीज नहीं करता, कहीं ना कहीं पे हम लोग कहीं ना कहीं पे उस रेड जोन को हिट करने की प्रोबेबिलिटी में रहते हैं। टोटली अग्री, वो कंसीडर देखा आपने। हाँ चलो मैं अभी उस पे आता हूँ। अब देखो अभी का जो सिनेरियो है ना, आई एम अग्री कि एकदम बुलिश मार्केट है, हम आराम से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हो तो इट इज नॉट निस्हा, हम बायसनेस बना सकते हैं लेकिन उसी बायसनेस को ही मेंटेन करने के लिए हम हेज को अंदर ले आ रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि बुलिश है मार्केट तो हाँ हम अपने ट्रेड्स को एडजस्ट करेंगे, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट आने पे, जैसे अभी के लिए हिसाब से मेरा जो टारगेट है रोहित भाई वो 25,000 का है कि यहाँ से मार्केट मे बी 25,000 पे टच करके थोड़ा मे बी 25,050 जाएगा और फिर थोड़ा एक पुल बैक, थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा रेस्ट कर सकता है, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन 25,000 तक या 25,050 तक मैं अपनी पोजीशन को ऐसे बना के जाऊंगा जहां तक मतलब यहाँ से 200 पॉइंट की अगर मार्केट मूव देता है इवन नेक्स्ट डे ही तो हमें उतना कुछ प्रॉब्लम ना आए। जब वो 25,050 क्रॉस करेगा ना फिर आई विल शिफ्ट माई रेंज, आई विल शिफ्ट माई कॉल सेल फर्दर अप ताकि वो जो प्रॉब्लम है कि हिट हो जाएगा या यूपी जो इंक्रीज करने की बात करो वो मैं बाद में एडजस्टमेंट के थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन इनिशियली अभी मैं अपनी सेलिंग लेग को इक्वल डिस्टेंस पर रखना चाहता हूँ क्योंकि एज अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर मेरा ये बायसनेस है कि यार ये मार्केट इस रेंज में रह सकता है। मेरा जैसे देखो ट्रेड हम डिप्लॉय करते हैं वो अलग चीज हो जाती है और एक ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट्स में उनको बोलता हूँ कि वहां तक आप पहले सेव करके चलो कि अपनी पोजीशन को 200-250 पॉइंट दूर रखो, ऐसी जगह जहां पे अगर मार्केट आए भी गए भी तो आपको एक कंफर्टेबल एमटीएम दिखे जिसके बाद आप फिर से एक डिसीजन ले सको कि मैं इसको और आगे एडजस्ट करना है या नहीं करना। लेकिन इनिशियल जैसे आज इतनी बड़ी मूव आई है ना राइट, अगले दिन फॉल भी तो आ सकता है ना। अभी कुछ दिन पहले अगर हम देखें 18 जुलाई को एक जब ये वाली कैंडल बनी थी, आप मुझे बताओ जब ये वाली कैंडल बनी थी और ऑल टाइम हाई ये भी था करेक्ट, जब ये वाली कैंडल बनी थी किसी ने सोचा था अगले दिन फॉल आएगा, ऐसा नहीं सोचा था ना, किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं करा था। वही चीज एज अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर मेरा व्यू बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि बुलिश मार्केट है बट अगर मैं बुलिश बायसनेस ट्रेड कर रहा हूं तो बेटर है मैं कोई डायरेक्शनल ट्रेड्स डाल लूं, लैडर डाल लूं, डेटाबेस पर बना लूं। लेकिन जब मैं एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी डालता हूं ना तो मैं एक नॉन डायरेक्शनल व्यू के साथ ही जाऊंगा अलॉन्ग विथ माय ट्रिगर पॉइंट्स, जो हिट होने से आई विल शिफ्ट माय रेंजेस ताकि मैं पीओपी इंक्रीज कर सकूं। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और इसी बुलिशनेस को ध्यान में रखते हुए हम डेल्टा को न्यूट्रल करके जा रहे हैं कि हमें नुकसान ना हो।
कि हमारा ट्रिगर पॉइंट अगर हिट भी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी इसके आगे और एडिशन में करूंगा, डोंट वरी, अभी तो जस्ट हम बना रहे पोजिशन को थोड़ा बेहतर करके बना रहे, अभी आप रुको जरा, ठीक है। बट आपकी आपकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन मैं तो वही चीज कह रहा हूँ कि जब ये कैंडल बनी थी किसी ने नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। सेम वैसा ही है कि ये यहाँ तक है, हो सकता है 25,000 चला जाए, हो सकता है अगले दिन फिर से फॉल आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधे ऐसा नहीं मानूंगा कि सीधे 25,400 आ जाएगा और मैं पहले ही दूर बैठ हुआ। मैं ये करूंगा कि ठीक है अभी यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है 25,000 इज अ राउंड फिगर नंबर, वहां पे कॉन्सोलिडेट करेगा बहुत जाएगा, 50 पॉइंट और ऊपर जाके थोड़ा या तो पुल बैक लेगा या तो कॉन्सोलिडेट करेगा, लेकिन 25,050 में ट्रिगर पॉइंट। 25,050 को भी क्रॉस कर गया जो कि इस लेवल से 200 पॉइंट है ना, उसके ऊपर भी चल गया, फिर मैं अपनी रेंज को जो आप कह रहे हो शिफ्ट करने की, दूर करने की, तब मैं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। मेरी एक्चुअली थिंकिंग पता कहां से आ रही है, जहां पे आप बोल रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक बात है। आप एक्चुअल में एक ट्रेड को सिर्फ ऑप्शन ट्रेड की तरह देख रहे हो, मैं साथ में चार्ट भी देख रहा हूँ, वहां पे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ सारी चीज। नहीं नहीं आप सही, आप मैं भी चार्ट्स देख रहा हूँ, बट क्या है ना कि अभी के लिए सिनेरियो सही है आपकी बात, हर बार नहीं होगा ना ऐसे। ये जो चीज आप यहाँ पे बता रहे हो ना, मैं आपको अपने व्यूअर्स के लिए भी एक बताता हूँ, ठीक है, लेट मी शेयर माय लर्निंग आल्सो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये जो पैटर्न यहाँ पे बना है ना इस टाइम पे चार्ट्स के ऊपर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर, हाँ हाँ, इस पैटर्न को मैं बहुत खतरनाक पैटर्न मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, उसकी सिग्निफिकेंस है, जब पहले यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनी थी जिसके बाद रेड कैंडल बनी है, That can be expected. उसके बाद 5 दिन तक सेलर्स ने मार्केट को नीचे फेंकने की कोशिश की, जिसको 2 दिन में बायर्स कवर कर गए। करेक्ट, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट कवरिंग हुई है ना, जिसने भी रोल ओवर के अंदर मान लो यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, जब ये यहाँ से ऊपर को तोड़ेगा, इट विल ओपन द फ्लड गेट्स टू द अपर साइड। मेरी थिंकिंग उस तरह पे चल रही है जाके बैठ के, कि मेरे को लगता है कि जो हमारी अपर साइड है ना वो ब्रीच होगी एक बारी उसकी। सो अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज करके डेल्टा न्यूट्रल हो जाए तो वो ज्यादा बेटर, बट अगेन हर बारी ऐसा सिनेरियो नहीं करना होगा, नहीं होगा। हाँ बस वही चीज, आप अभी के हिसाब से ना आप ट्रेड्स को एडजस्ट कर रहे हो, बट मैं ये एक आइडियल सिनेरियो के लिए समझा रहा हूँ कि आपको ऐसे करके जाना है। अब ये सिनेरियो जो अभी आपकी है वो एकदम सही है, एकदम 200% आपकी बात से सहमत हूँ कि जब हमें मार्केट कह रहा है कि बुलिश है तो हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वो अभी यहाँ पे करने जाऊंगा ना, फिर ऑडियंस आपकी कंफ्यूज हो जाएगी, हर महीने करने हैं ऐसे इस महीने करने हैं, आप समझ रहे हो? Exactly, बट हमें तो ये हर महीने के हिसाब से चलाना है ना। तो अभी हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, करेक्ट। और अभी आपकी जो बात है ना, मैं उसको भी कंसिडर करके कुछ और अभी करूंगा, अभी पूरा फाइनल ट्रेड नहीं बनाया। चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाँ हाँ, अभी हम एक एक स्टेप पे लेके जा रहे हैं। हमने डेल्टा को न्यूट्रल कर लिया। अब अगर आपकी जो बात है कि भाई मेरे को तो बुलिश दिख रहा है कुंदन, इसको बुलिश बना के जाओ, या बुलिश नहीं तो स्लाइटली बुलिश बना के जाओ कि एटलीस्ट अगर 200 पॉइंट की मूव है तो मुझे ज्यादा लॉस ना, ये आपका कंसर्न है। नहीं अभी देखो 24,850 चल रहा है, 830 चल रहा है, 25,500 तो नहीं चला जाएगा ना एक दिन में, पहले 25,000 जाएगा, 25,200 जाएगा, 400, ऐसे धीरे धीरे ही जाएगा, या अगर जाएगा भी तो 25,400 का ओपनिंग नहीं होगी, ये तो आप भी जानते हैं, हार्डली ओपन होगा, 200 पॉइंट ओपन हो सकता है, 250 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। उस चीज को अगर ऐसे सिनेरियोस हैं, बताना मुझे एक बात, बताना मुझे आफ्टर बीइंग इन द मार्केट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, व्हाट इज अनथिंकेबल? नहीं कुछ भी अनथिंकेबल नहीं है, वी आर ट्रेडर्स, हम प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग सच इवेंट्स। अभी रिसेंटली 200 पॉइंट अप तो मैं देख रहा हूँ मार्केट को मंडे को उठ के, ठीक है चलो ठीक है, इसको और थोड़ा बेहतर बनाते हैं, जो भी मैं कह रहा था कि अभी ट्रेड हमारा फाइनल नहीं बना, फिर आप बोलना। नहीं, आप अपना करो, मैंने तो अपनी वैसे बात कर दी, ठीक है, मुझे लग रहा है आपकी बात से मैं सहमत हूँ रोहित भाई, बट अगर मैं अभी के हिसाब से बनाऊंगा ना फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। आप बनाओ अपने तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा और बेहतर करता हूँ, और बेहतर एज इन और थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ कि हाँ, अगर ऐसी देखो, मैंने यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन में मैंने बोला है 6 to 7 lakh रुपीज पर सेट, और पर सेट में मैंने बोला 5 lots इज इक्वल टू 1 set। मतलब आपको जो ट्रेड डिप्लॉय करना है ना 5 lot से करना है, ना कि 1 lot से। क्यों 5 lot से करना है वो भी मैं बताता हूँ। ये हो गया 5 lot हमने कर दिया, 5.5 lakh रुपए के आसपास आपके यहाँ पे डिप्लॉय हो रहे हैं, ठीक है। अब जो आपकी बात है ना, उसको टैकल करने के लिए वॉट यू कैन डू, यू कैन ओवरेज ऑन
द साइड वेयर यू आर बुलिश और बेरिश. अगर मुझे आपको लग रहा है कि आप यहाँ बुलिश हो, तो आप कॉल साइड में ना थोड़े एक दो लॉट एक्स्ट्रा करके जा सकते. कॉल साइड में पूरा एक दो लॉट हमने यहाँ पे एक ही लॉट एक्स्ट्रा करा, बट आप देखोगे कि डेल्टा स्लाइटली बुलिश हो गया, स्लाइटली बुलिश. कितने रुपए हम दे रहे हैं एक लॉट बाय करने के लिए? सिर्फ 34 रुपए. ये कुंदन की ना ट्रेडमार्क स्ट्रेटेजी है, ओवर हेजिंग करना. दिस इज द फर्स्ट कांसेप्ट जो कुंदन ने मुझे लास्ट सेशन में समझाई थी बैठ के. तो अब जो ओवर हेज है, तो अब यहाँ पर देखोगे कि मैंने क्या बोला कि 25,000 मेरा पहला टारगेट है, 25,050 तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट जाएगा. तो 25,050 तक अगर मेरे को जाता है मार्केट, 200 पॉइंट का गैप अप भी होता है, 1500 रुपए का लॉस है, दैट इज 0.3%. दो दिन का डीके अगर मैं मान के चलूँ तो 200 रुपए का भी डीके, मतलब 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस आपको नहीं दिखेगा अगर मैं एकदम साइडवेज लेके जाता हूँ. अगर आपको बुलिश लेके जाना है, एक लॉट और बढ़ा लो, मतलब यहाँ से 500 पॉइंट दूर जाके चला जाएगा एक डायरेक्शन में, तब जाके 1% का लॉस देगा हमें. और थीटा भी तो है ही ना, थीटा तो यूनिवर्सल है, वो तो होना ही रहेगा, वो भी हमें कुछ ना कुछ फेवर कर रहा होगा. तो अगर आपकी जो बात थी मैं उसको भी मान गया कि ठीक है बुलिश है, मानते हैं बुलिश है, ओवरेज कर लो, दो लॉट एक्स्ट्रा बाय कर लो, खुलने दो 200 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का 0.1-0.2 का लॉस दिखेगा. अगर लाइक थोड़ा अगर डीके आ गया वो भी कवर अप हो जाएगा. अभी बजट के पहले अभी स्पाइक थे, अगर 5% एबिट ड्रॉप हो गई तो वो भी लॉस आपको नहीं होना है. अब ये सही दिख रहा है? ठीक है. तो ये है, तो अगर किसी को भी ऐसा ट्रेड जब बना रहे हो और बनाते समय ट्रेड अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बायसनेस है, तो एक दो लॉट, सिर्फ पांच लॉट की सेट बनाओ और उसमें एक से दो लॉट आप क्या करो एक्स्ट्रा बाय कर लो जिस साइड पे आपकी बायसनेस है, और आपका काम हो जाए. ये स्ट्रेटेजी मेरे को पसंद आई है, दिस इज ब्यूटीफुल. मतलब अगर आपने स्टार्टिंग से थोड़ी सी, अगर आपने स्टार्टिंग से भी थोड़ी सी ज्यादा ओवर हेजिंग रख दी ना, I think hardly you will need to do any adjustments. Any adjustment, कुछ नहीं, 400-500 पॉइंट तक जाने दो, 0.3-0.4 का लॉस दिख रहा है MTM पे देख लो, eventually it will come down. कोई लॉस, extra hedging करने का कोई लॉस भी नहीं है, because anyways आपका 0.3% का टारगेट तो है, या आपने कौन सा जीरो पे लेके जाना है कि आपको कॉस्ट से फर्क नहीं जा. करेक्ट. और कितना ही दे रहे हो, 34 पॉइंट तो दे रहे हो बस. हाँ, आपका जो डेबिट आपने पे किया 35 रुपए दिए, 35 गुणे 25 कर लो, जो भी आएगा 600-700 रुपए का आप डेबिट पढ़ा रहे हो, दैट्स इट. ठीक है, तो ऐसा आपका ट्रेड बन जाता है. सॉरी, बस करना और बैठने कर डिप्लॉय करके छोड़. मेरा हमेशा से मेरा यही रहता है कि ट्रेड डाल दो, ट्रिगर पॉइंट्स इतने डिस्टेंस पे रखो ना, 250-300 पॉइंट दूर पे ट्रिगर रखो कि 600 पॉइंट की रेंज रहे आपके पास. और क्योंकि आज के टाइम पे रोहित भाई एडजस्टमेंट्स लो के बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे परेशान रहोगे. तो मेरा ये मानना होता है कि आप अपने टी प्लस जीरो लाइन को ही पहले इतना डिस्टेंस में रखो, पहले इतना मेंटेन करो ट्रेड डिप्लॉय करते टाइम ही, कि जो छोटे वोलेटिलिटी, जो शॉर्टर रेंज में वोलेटिलिटी है ना, उसको आप फिल्टर आउट कर सको. इसी वजह से मैं ज्यादातर बैटमैन, ज्यादातर रेशो और ये ओवर हेजिंग कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ. ये मुझे एक स्पेस देते हैं, एक थोड़ा बड़ा स्पेस देते हैं ट्रेड में बैठने के लिए. अदरवाइज अगर यही आयरन काउंटर होता, आप इमेजिन कर सकते हो कि आयरन काउंटर जैसे सिचुएशन में अगर मान लो मार्केट 400 पॉइंट जाता है, यहाँ से हमें 0.6 का लॉस हो रहा है, आयरन काउंटर में कितना लॉस होगा अगर 400 पॉइंट का बंदे रैली आ गई? आयरन काउंटर तो लॉस देने वाला है. वही है, तो बट बैटमैन रहेगा रेशियो फॉर्म में, आपके पास एक इनसाइड बाइंग भी है जो गामा को मैनेज कर रही है, आपके पास ओवरेज भी रखा हुआ है जो आपको को स्टीप कर रहा है, फ्लैट कर रहा है, तो हमें वो बेहतर यहाँ से हमें रिजल्ट्स देखने को मिलता है. तो ये आपका ओवरऑल ट्रेड बन जाता है. मैंने ओवर रेजिंग करी कि अगर आपका बायसनेस है जिस साइड भी, उस साइड में आप बायसनेस कर लो डेल्टा को मैनेज करने के बाद. और अगर आपका बायसनेस नहीं है, जो अभी का मंथ है उसमें थोड़ा सा अगर ये एक एक्सेप्शन हम कंसिडर करके चले, अगर वैसी सिचुएशन नहीं है, आप सिंपल डेल्टा को न्यूट्रल करके जाओ और बस लाइक जो हेजेस हैं, हेजेस के थ्रू आप एडजस्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा. In any case, कभी भी मैं आयरन काउंटर को तो करना मैंने बहुत देर से बंद कर दिया. मैं भी काफी टाइम से नहीं कर रहा हूँ.
बिकॉज इतनी वॉलेटिलिटी होगी हुई है, वी हैव टू अज्यूम कि आपकी एक साइड कोई ना कोई टेस्ट होने को जाने की कोशिश कर सकती है। पक्का पक्का किसी हाल में होगी, ठीक है। एटलीस्ट अगर आपने बैटमैन को क्रिएट की हुई है तो आपके पास एक इंसेंटिव होता है कि चल अगर मेरी टेस्ट करने गई भी तो मेरे प्रॉफिट के चांसेस तो इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और बैटमैन में क्या होता है, टी प्लस जीरो लाइन ना, लाइक एरन कॉनर में हमेशा ही ऐसा रहेगा, टी प्लस जीरो एक टाइम पे ना ऐसे होने लगता है, थोड़ा ऐसे साइड से भी एजेस पे अपलिफ्ट होने लगता है बिकॉज ऑफ रेशियो, रेशियो की वजह से। तो वो हमें लाइक थोड़े गमा आता है तो भी परेशान नहीं करता। अब ये मैं लेके चलता हूँ, मैं सिर्फ एक लॉट एक्स्ट्रा बाय करके चल रहा हूँ रोहित भाई, 0.4 का मेरा क्रेडिट, 0.04 का मेरा स्लाइटली पॉजिटिव डेल्टा है जो कि आप कह रहे हो, और मतलब एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, मतलब मैं इसको डायरेक्शनल नहीं बोलूंगा अभी भी। अब इसमें ना, अब जो इसके बाद का है, अभी मैं फिर से स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ट्रेड बनाया एक स्टैंडर्ड विंग्स के साथ, ट्रेड बनाया लाइक स्पॉट से 400 पॉइंट दूर बाई किया, फिर उसके 200 पॉइंट दूर जाके सेल किया, और उससे 700 पॉइंट दूर जाके हमने जज बाई, दोनों साइड इक्वल, नो लाइक कुछ वो फेवरिज्म नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा डेल्टा स्लाइटली स्लाइटली क्या ज्यादा ही निगेटिव है, तो हम थोड़ा उसको पॉजिटिव करने के लिए हेज को अंदर लाया कॉल साइड के। हेज अंदर लाने के बाद फिर हमारा एक डिस्कशन के बाद ये पता चला कि नहीं मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो थोड़ा उसको और हल्का पॉजिटिव करके जाते हैं। तो उस बुलिशनेस को ट्रेड करने के लिए, उस बुलिशनेस को ध्यान में रखते हुए हमने एक लॉट, सिर्फ एक लॉट एक्स्ट्रा बाइंग कर ली, जिससे हमारा डेल्टा स्लाइटली पॉजिटिव हो गया। ये हो गया अभी तक का स्टेप। अब जो अगला स्टेप है रोहित भाई, वो आता है एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट डिसाइड करने, जो कि किसी भी ट्रेड में आपको डिसाइड करना ही पड़ता है। मैं जनरली जो इसमें मेरा होता है कि मेरा 0.4% का लॉस जहां पे मार्केट देगा वो मेरे एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट होंगे। मैं फिर से यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, पेंसिल पेन यहाँ पे नहीं है, आप उसमें एडिट में करा देना कि जो एटीपी डिसाइड करना है, एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट डिसाइड करना है, वो टी प्लस जीरो लाइन को देखते हुए और दूसरा चार्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए 0.4% का लॉस पे हमें एडजस्टमेंट करनी है, चाहे वो किसी भी साइड में। अगर हम अभी यहां से देखें हमें 0.4% का लॉस कहाँ हो रहा है, ये हमें टी प्लस जीरो लाइन को देख के हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम कॉल साइड की बात करें रोहित भाई, 0.4% का लॉस जो है हमें 25,080 के आसपास हो रहा है, इट मींस कि ये अभी के स्पॉट से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर है, यानी 1% ऊपर, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम अपना ट्रिगर डिसाइड करेंगे अपसाइड के लिए 25,080, और यहां पे हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हम मार्क भी कर लेंगे कि दिस इज एटीपी फॉर टी साइड एडजस्टमेंट। गाइस यहाँ पे एटीपी इज एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट एंड नॉट द एवरेज ट्रेडेड प्राइस। हाँ, एटीपी मतलब एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट। जब तक ये लेवल नहीं ब्रीच होगा हम कुछ भी नहीं करेंगे। और ये हमने कैसे डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि हम 0.4% तक का लॉस स्क्रीन पे देख सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि मंथली पोजीशन है। अगर आप सोचोगे 0.1, 0.2 पे ही हो तो वो तो कुछ मतलब ही नहीं ना, 3% के टारगेट पे 0.4% का आप देख सकते हो। वो सेम गोज फॉर द डाउनसाइड, डाउनसाइड में हमें कितना का लॉस हम देख सकते हैं, हमें जो 0.4% का लॉस है रोहित भाई, ये 24,570 पे के आसपास आ रहा है। तो हम डाउनसाइड में भी सेम चीज 570, 570, ये हमारा डाउनसाइड में एक बन सॉरी और ये हमारा हो जाएगा एटीपी फॉर ई साइड एडजस्टमेंट, ठीक है। हम इसको अगर ध्यान से देखें तो जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेड करेगा हमें कुछ भी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया जब तक मार्केट इस रेंज को, जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रीच नहीं करता है, और अगर इस रेंज में रहता है तो हमें 0.4% से ज्यादा के लॉसेस नहीं होने। और ये अगर हम रेंज देखें ना रोहित भाई, 500 पॉइंट की रेंज है, स्पॉट से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर, स्पॉट से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे, विच इज अ डिसेंट रेंज आई वुड कंसिडर। एक डिसेंट 500 पॉइंट की रेंज आपने पकड़ ली कि ऊपर आराम से हम बैठे हुए 200 पॉइंट और नीचे भी अगर इस रेंज में कहीं पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वी विल डू नथिंग, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब ये जो अब देखो, एक चीज तो हमने डिसाइड करी यहां से अपसाइड के लिए, तो खैर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें 0.4 के ही रेशियो में 0.4% के लॉस के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। लेकिन डाउनसाइड के लिए, डाउनसाइड के लिए क्योंकि हमारे पास सपोर्ट होंगे, तो 0.4 आपको ये देखना होता है कि हाँ टी प्लस जीरो लाइन के अकॉर्डिंग हमें 0.4 का लॉस कहाँ दिख रहा है, और साथ ही साथ आपको थोड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखने होते हैं। तो मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट, सॉरी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था इस जोन में 25, अब वो सपोर्ट है।
ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होगा मैं कुछ करूंगा ही नहीं। ट्रेड बनाया, ट्रेड बनाया, ट्रेड बनाने के बाद हमने डेल्टा का मैनेज किया, डेल्टा मैनेज करने के बाद अगर कोई बायसनेस है उसको कंसिडर किया, और उसको कंसिडर करने के बाद हम अपने एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट बना रहे हैं कि कहाँ पे हमें एडजस्ट करना है पोजीशन। आई होप अभी तक थोड़ा थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो हमारे ये ट्रेड बन चुके हैं और जब तक इस रेंज में रहेगा वी विल डू नथिंग, और जैसे इस रेंज के ऊपर या नीचे क्रॉस करता है तो हमारा क्या होगा, हमारे एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट एडजस्टमेंट ट्रिगर हो जाएंगे और हमें एडजस्टमेंट को करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे रोहित भाई एडजस्टमेंट्स की तरफ। उससे पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछो, मैं क्लियर करना चाहूंगा, अदरवाइज हम एडजस्टमेंट समझेंगे। नहीं, मेरे लिए क्लियर है यहाँ पे, अभी तक आपके हिसाब से सब सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहो आप? नहीं, ठीक है, ठीक है, कि क्योंकि एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट पहले से डिसाइड होने से होता है ना कि आपका ट्रेड प्लान क्लियर है। ठीक है, ट्रेड प्लान क्लियर रहता है तो अच्छा रहता है, लेकिन आप बीच में एरर्स नहीं डालते हो, बीच में पैनिक नहीं करते हो। अब ये इसमें अगर आप देखोगे ना तो अगर आईवी घटेगी तो आपको और बेनिफिट होगा। हाँ, एक्चुअली शॉर्ट वे का ट्रेड आईवी बढ़ेगी तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन वो आयरन कॉन्डोर रहेगा तब भी करेगा, कोई भी स्ट्रैटेजी आयरन फ्लैग रहेगी तब भी करेगा, राइट। वैसे केस में आईवी बढ़ने के केस में ना हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते शॉर्ट वे का ट्रेड से, फिर उसमें होगा कि उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इसको बास, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन आज तक शॉर्ट वे का ट्रेड के लिए एडजस्ट किया नहीं मेरे हिसाब से। अब हम यहाँ पे थे, लाइक हमारा सेटअप हो गया, अब हम एडजस्टमेंट पे आ रहे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स देखो, एडजस्टमेंट्स में ना टोटल 5 एडजस्टमेंट्स हैं और पांचों ही एक, मतलब कि अगर मैं पांचों पढ़ाऊंगा तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का सेशन चला जाएगा। हम बेसिकली 2 एडजस्टमेंट आज पढ़ रहे हैं, एक है स्लिंग शॉट और दूसरा है रीसेंटरिंग। ठीक है, ये दोनों ही पावरफुल एडजस्टमेंट्स हैं और इसको आप अगर सिंप्लीफाई करके भी आप करोगे ना तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ये तीनों थोड़े मतलब रिवर्स आरवी कन्वर्जन को लैडर एंड किसी और ही अलग पे ऑफ ग्राफ को लेयर कर देना, ये तीनों कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और इसके पहले आपको इक्वेशन बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन ये दोनों ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको ज्यादा इक्वेशन नहीं चाहिए, मतलब अगर आप नए हो भी तो भी आप समझ जाओगे। तो हम आज मेजरली 2 एडजस्टमेंट की बात करेंगे, पहला स्लिंगशॉट और दूसरा रीसेंट। ठीक है, तब करना क्या होता है, करना क्या होता है समझो। सबसे पहले हम स्लिंगशॉट की बात करें तो स्लिंगशॉट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा बाइंग ऑप्शंस। स्लिंगशॉट इज नथिंग बट सिंपल एक्स्ट्रा बाइंग ऑप्शन, राइट। मेरे जितने भी होते हैं ना एडजस्टमेंट्स वो सारे डेबिट वाले होते हैं, मैं ऑप्शंस या क्रेडिट के थ्रू ऑप्शंस पे एडजस्ट नहीं करता। मेरा ये फोर्टे कह लो, मेरी ये स्टाइल कह लो, आज तक मतलब पिछले 3 साल से मैंने ऑप्शन बेच के एडजस्टमेंट्स नहीं करे। उसके 2 नुकसान मैं समझता हूँ। पहला नुकसान होता है जब भी आप क्रेडिट के थ्रू एडजस्टमेंट करते हो ना आपको मार्जिन ज्यादा रखना पड़ता है। अगर आप बेच के एडजस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा बेच रहे हो ना, मार्जिन तो चाहिए ना उसके लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन के, क्योंकि ऑप्शन सेल में ज्यादा पैसा लगता है। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग में ना आपके पास अनलिमिटेड लॉस है, इवन हेज भी रखे हो तो बड़ा लॉस है, राइट, फैट रिस्क है। उस मोटे लॉस को कवर करने के लिए ना आपको एक मोटा प्रॉफिट वाला इंस्ट्रूमेंट ऐड करना पड़ेगा। अगर अनलिमिटेड या बड़ा लॉस को कवर करने के लिए छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट वाला कुछ भी आप करोगे ना नहीं मैनेज होगा, क्योंकि वो इतना तेजी से बढ़ता जाएगा, लॉस उतना तेजी से बढ़ता जाएगा, और जो ऑप्शन सेल करके आप उसको कवर अप करना चाहते हो रोहित भाई नहीं हो पाता है। मैं भी काफी टाइम से हूँ, एट द एंड कोई ना कोई एक दो बार नॉर्मल सिनेरियो में आप प्रॉफिटेबल रहोगे बट मेजर मूव में आप फंस जाओ। तो मेरा ये मानना है कि अनलिमिटेड लॉस को कवर करने के लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला चीज आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रेड ठीक तरह से मैनेज होता है। इसी वजह से मेरे सारे एडजस्टमेंट्स, ठीक है, मैं 500 एडजस्टमेंट्स करता हूँ और जानता हूँ, उसमें सब बाइंग के थ्रू हो पाती है, क्योंकि मैं थोड़े ओवरेज वाले कॉन्सेप्ट्स में चला जाता हूँ तो वहां पे मुझे हेल्प हो जाता है। अगर एक लॉट सेल करके एक लॉट बाय करके सोचोगे एक लॉट और बाय कर लो तो नहीं हो पाएगा। अगर 10 लॉट सेल करा है उसमें 2 लॉट एक्स्ट्रा बाय करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, इस वजह से ये मेरा हो जाता है। तो स्लिंगशॉट इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा बाइंग। तो अब करना क्या है ना, 25,080 आएगा ना, आप कुछ मत करो, आपको आपकी पुट साइड तो बहुत अच्छे खासे डिस्टेंस को होगी, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट को होगी। आप क्या करो ना, सिंपल यहाँ पे 2 लॉट एक्स्ट्रा और बाय कर लो और T+0 लाइन को ऐसे बैलेंस करो। ओके, 2 लॉट 3 लॉट डिपेंड कि उस टाइम पे क्या चल रहा है, डिपेंड फ्लैट हो गई। हाँ, लाइन आपकी इतनी फ्लैट हो जाएगी कि हाँ ऊपर तक जाएगा, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और रोहित भाई थीटा तो है ही ना,
अगर 24,800 से 25,500 तक जाने के लिए मार्केट को कम से कम 10 दिन तो लगेंगे ना, मतलब हो सकता है कम ही लगे, मैं ये नहीं कहता कि आप बोलोगे कि अनथिंकेबल नहीं है, आई नो इट इज, लेकिन हर महीने हर हर बार ऐसा नहीं हुआ कि 1,000 पॉइंट की रैली 5 दिन में, अगर हम एक जनरल सिनेरियोस पर तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका ट्रिगर पॉइंट्स ब्रीच हो, ठीक है, सिंपल आप क्या करो कि आप एक्स्ट्रा बाइंग कर लो, 2 लॉट 3 लॉट बाय करके अपनी टी प्लस रैली को फ्लैट और बैठे रहो, तब तक बैठे रहो जब तक कि आपकी ये जो बाइंग लेग है जो 25,300 है, 25,300 जो बाइंग लेग है वहां तक मार्केट आ जाए, वहां पे आ जाए फिर हम दूसरे एडजस्टमेंट पे जाएंगे जो रीसेंट, जो कि है रीसेंट रिंग का। लेकिन हमने जैसे ही मार्केट हमारे ट्रिगर पे है 0.4 के लॉस में, हमने 2-3 लॉट एक्स्ट्रा बाय किया, टी प्लस रन को फ्लैट कर लिया, ऊपर जा रहे हैं, कोई लॉस नहीं हो रहा है और वहां तक हम बैठे रहेंगे जहां तक हमारी बाइंग लेग टच नहीं हो जाती है। जब 25,300 आएगी नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीसेंटरिंग हो गया, क्लियर है? क्लियर, ठीक है, सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ आएगा जो हमारे ट्रिगर्स डिसाइडेड है, ट्रिगर डिसाइड होगा, हम एक्स्ट्रा बाइंग कर लेंगे, छोड़ देंगे। अभी अब देखो ये एडजस्टमेंट करने का ना फायदा एक और होता है कि मान लो इसका ब्रेकआउट हुआ 25,080 के आसपास मार्केट गया, 90 तक गया और हमने बाइंग कर लिया 2 लॉट बाय कर लिया एक्स्ट्रा, 2 लॉट से आपका काम बड़े आराम से हो गया, कुछ करना नहीं होगा, ठीक है, हमने 2 लॉट बाय कर ली, ये 25,100 तक गया और मार्केट घूम गया, होता है, होता है बहुत सारे ऐसे मेजरली प्रॉब्लम तो ये होती नहीं कि हम एडजस्टमेंट करते हैं मार्केट वहीं से घूम जाता, फिर लगता है यार सब चला गया। अब बेचने वाले कंडीशन में क्या होता है कि आपने मान लो यहाँ पे आपके ऑप्शन सेल था, इसको उसको रिस्क ऑफ कर दिया, जो आजकल के टर्म्स में चलता है, तो उसको रिस्क ऑफ कर दिया, दूर कर दिया, अब 100 रुपए की प्रीमियम पहले बेची थी वो 180 रुपए की होगी, 180 रुपए को 110 पे ले आया, अब जैसे हम लेके आए वो घूम गया नीचे, गिर गया तो 110 वाला जो बेचा था वो 90 का हुआ, लेकिन 180 वाला भी 140 का हो गया, अब नीचे ले आओगे बेटा तो 30-40 रुपए का नुकसान हो चुका है पर लॉट, 10 लॉट की पोजीशन है तो कम से कम 300-400 रुपए का क्रेडिट जा रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना आपको? रिस्क ऑफ करते हैं, रिस्क ऑफ करते हैं, मान लो हमने 40 रुपए एक्स्ट्रा दे करके रिस्क ऑफ कर दिया, 10 लॉट की पोजीशन है तो अगर वहां नीचे आ गया हमें कम से कम अगर 10 रुपए पर लॉट जा रहे हैं ना, तो आपने 10 लॉट लिए 100 रुपए गए, बाइंग के केस में क्या होगा, बाइंग के थ्रू एडजस्ट करोगे, ऊपर गया घूम गया, 2 ही लॉट बाइंग है रोहित भाई, 40-40 रुपए की बाइंग है, घूम गया नीचे, कितना नीचे आएगा, 40 वाला हो जाएगा मुश्किल से 30 रुपए बाइंग में, तो जीरो पड़ेगा और तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो तो उसको मंथ एंड पे होना है ना, 40-30 हो जाएगा, दो ही लॉट है 10 रुपए वाला लॉट है 20 रुपए गए, तो जो नेट क्रेडिट है उसमें 20 रुपए कम हो गए, समझ रहे हो, ये फायदा होता है बाइंग के थ्रू एडजस्ट करने का, मैं बाइंग के थ्रू ही एडजस्ट करता हूँ, सिंपल सच बता रहा हूँ, ऑप्शन सेल करने के एडजस्टमेंट के लिए बाइंग के थ्रू एडजस्ट किया जाता है, सेलिंग के थ्रू एडजस्ट करोगे आई डोंट नो हाउ पीपल डू बट आई डोंट नो, ठीक है, मैं रीजन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ क्यों, वही है कि अगर मेरे एडजस्टमेंट गलत भी होते हैं ना काट देता हूँ, फिर घूमा फिर मैं खरीद लूंगा, 2-4 रुपए मैं दे रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सेलिंग में क्या हो रहा है कि एक तो आपका टर्नओवर भी बढ़ रहा है, आजकल स्टेटी वगैरह भी तो ध्यान देना है, 10-10 लॉट अगर ऊपर नीचे कर रहे हो टर्नओवर, यहाँ पे 2-2 लॉट ही बाइंग के कर रहे हो, यही टर्नओवर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे मुझे एक कुशन मिल जाता है, वहां पे मुझे एज मिल जाता है कि मैंने करा गूगल फ्लैट करी घूम गया हटा दिया, नहीं घूमा बैठे रहे, कहां तक बैठे रहेंगे, जहां तक हमारा बाइंग लेग नहीं आ जाता है, जहां तक हमारा जो हमारा फर्स्ट बाइंग लेग है मार्केट वहां तक रीच नहीं, ये एडजस्टमेंट दोनों साइड के लिए सेम काम करनी है, लाइक पुट साइड के लिए भी सेम ही आपको करना है कि मार्केट नीचे आया एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट आपका हिट हुआ, आप 2 लॉट एक्स्ट्रा बाई कर लो 3 लॉट एक्स्ट्रा बाई कर लो, उस टाइम पे देखो कि ब्लू लाइन कहां तक फ्लैट हो जाती है, हमने बाइंग कर ली छोड़ दिया, तब तक छोड़े रहेंगे जब तक कि हमारा बाइंग लेग हिट नहीं होता, बाइंग लेग आएगी दूसरे एडजस्टमेंट को हिट करेंगे तो बैठे, समझ रहे हो, 850 से 300 यानी कि 450 पॉइंट की हमारी मूव आनी चाहिए। अब अगर यहाँ तक आ जाता है लेकिन हमने टीपी 0 लाइन फ्लैट कर ली और उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे आ गया, फिर हम आएंगे अगले एडजस्टमेंट जो की है इसकी रीसेंटरिंग। अब रीसेंटरिंग क्या होता है, देखो ज्यादातर केसेस में भाई अगर यहाँ से यहाँ तक आप आए हो तो ज्यादातर केसेस में आपको 0.5 से लेके 0.6% से ज्यादा लॉस नहीं होगा अगर आपने टाइमली एडजस्टमेंट्स करी हुई, सारे एडजस्टमेंट्स अगर कहने पे किया है
जो रूल्स में बता रहा हूँ उसपे कर रहा है, हार्डली आपको 0.5 0.6 का लॉस हो रहा होता है, वो भी उस सिनेरियो में रोहित भाई जहां पे ट्रेड डाला और दो दिन में मूव आ गया। इस ट्रेड में रिस्क पता है क्या है? सिर्फ 2 से 3 दिन। अगर आपने 3 से 4 दिन ना अगर वो 500 पॉइंट की रेंज में निकाल दी तो ट्रेड आपको लॉस देगा ही नहीं, फिर वो टी प्लस जरूर अपलिफ्ट हो जाएगी, आराम से कोई मूव आएगी कोई दिक्कत नहीं, बड़े इजिली ये हैंडल कर लेता है। बट इनिशियली ट्रेड डाला मंडे मूव आ गया, ट्रेड डाला दो दिन में बड़ी मूव आ गया 500, वहां पे थोड़ी तकलीफ देता है। जो कि कोई भी दुनिया के कोई स्ट्रेटेजी डालोगे ट्रेड डालते मूव आ गए तो डेल्टा तो रिस्क देगा ना, चाहे आयरन काउंटर करो चाहे आयरन फ्लाई करो चाहे बटर दुनिया के कुछ भी कर लो ट्रेड वो देगा कंपेरेटिवली सबसे कम लॉस, ये बात की गारंटी है। ठीक है, तो एक सेकंड ना पानी पी लो। तो अब अगर यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट आता है जहां पे हमारा बाइंग लेगा वहां पे ना रीसेंटरिंग करना होता है ट्रेड का। रीसेंटरिंग मीनिंग कि अब आपका एक नया स्पॉट हुआ, 2 दिन हुए 3 दिन हुए अब आपका नया स्पॉट हुआ, सारे ट्रेड को खत्म करो, पुट साइड को भी और कॉल साइड को भी, सब ट्रेड बंद किया और एक नया ट्रेड हम डिप्लॉय कर, सेम स्पॉट 400 पॉइंट दूर बाय 400 पॉइंट दूर सेल, जो भी हमने अब तक डिस्कस करा वो सारी चीजें डिस्कस करके एक नया ट्रेड डिप्लॉय करेंगे और फिर सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, मतलब ट्रेड को रीसेंटर कर दिया। बहुत चलाकी से व्हाट यू डिड इज अपने 3% के टारगेट पे यू गेव अप 0.5% और अब आप 2.5% के लिए फिर से वर्क कर रहे हो, फिर से हम काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट कम कर लिया या हाँ, क्योंकि अब देखो रैली आ गई ना, मार्केट ने 2-3 दिन में 400 450 पॉइंट की मूव दे दिया है, अभी तो कॉन्सेंट्रेट करेगा। रिस्क हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा हमने 0.5 0.6 का लॉस लिया, कोई बात नहीं, फिर हम बैठ गए, फिर एक बड़ी रेंज में 1200 पॉइंट की रेंज में बैठे हुए, पहले हम 3% टारगेट करे तब 2.5% टारगेट करेंगे, फिर अगर जाया फिर वहां से मान लो 500 पॉइंट फिर रैली आई फिर हम 0.5 0.6 का लॉस देंगे। सो बेसिकली क्या इट मेक्स सेंस बिकॉज अल्टीमेटली है तो 4 हफ्ते ही है ना। सो अगर अब पर एक पॉइंट इसके अंदर सोच के रखा हुआ है कि एट हाउ मेनी डीटीईज यू आर नॉट गोइंग टू रीसेंटर देन, कि बस छोड़ दो। अगर ट्रेड दो बार से लाइक एक बार ट्रेड डाला 450 450 पॉइंट मूव आ गए, हमने फिर से रीसेंटर करा फिर वहां से भी 450 पॉइंट की रेंज आ गई ना, ठीक है। अब क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगेगा कि 10 दिन तो हो चुके हैं, हमने मंथ हम क्या कर रहे 30 दिन की मंथली है, 10 दिन निकल चुके हैं, उस टाइम पे मैं ट्रेड डालने का ट्राई करूंगा, मेरे को 1% के आसपास का लॉस हो रहा होगा उस टाइम पे, उस टाइम पे मैं ट्रेड डालने का ट्राई करूंगा। अगर मुझे अभी भी 5% से ज्यादा का है थर्ड टाइम आई विल ट्राई, अगर 5% से कम का ट्रेड मिल रहा है मैं नहीं ट्राई करूंगा, मैं उस महीने मान लूंगा कि मेरा 1% 1.2% का लॉस है, क्योंकि 1000 पॉइंट की रैली आ चुकी है। मैं थर्ड टाइम इसलिए ट्राई करने को बोल रहा हूँ क्योंकि तीसरी बार में वो फिर से नहीं आएगा, चांसेस है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो वहां पे मुझे पैसे मिले, लेकिन वो तभी होगा जब मुझे क्रेडिट मिल रहा होगा, क्योंकि मेरा तो महीने का टारगेट मतलब लॉस का भी टारगेट 3% का है ना, तो आई हैव क्वेश्चन मैं ले सकता हूं, मैं अपने आरएमएस को हिट नहीं करता। दिस मेक्स सेंस एंड जितना मेरे को इसके अंदर समझ में आया है, आई विल टेल यू वन थिंग, बहुत से लोग अप्रोच करते हैं जो बोलते हैं कि सर हम लोग मोबाइल से ट्रेड करते हैं, ऑफिस टाइम के अंदर ट्रेड करते हैं और फ्री टाइम में ट्रेड करते हैं, उनको मैं हमेशा मना कर देता हूँ यार अगर मोबाइल से ट्रेड कर रहे हो तो मत करो, अगर फिर भी ट्रेड करना है ऑफिस जाते हो फ्री टाइम में फिर भी ट्रेड करना है, देन दिस मेथड इज वेरी सेफ फॉर यू गाइस। आप इसको मॉनिटर भी कर सकते हो, अगर 1-1.5 घंटे के बाद चेक करोगे ट्रिगर्स लगा दोगे तो भी वर्क कर सकते हो। सिंपल है अगर कोई सॉरी टू इंटरप्ट जस्ट मुझे बता लें दो कि अगर ये स्पॉट है ये आपके ट्रिगर है 25,080 का ट्रिगर है 25,050 का ट्रिगर लगा के फोन में छोड़ दो, आएगा बजेगा सिस्टम खोलना एडजस्ट करके छोड़ देना, फिर से आपको 300 पॉइंट का एक और ट्रिगर मिल जाएगा, तो आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, आपको स्क्रीन के सामने चुप के रहने की जरूरत नहीं। हाँ आप सॉरी कंटिन्यू। बट वो एक मीम आया था ना कि डोंट ट्राई दिस शिट एट होम, सो डोंट ट्राई दिस शिट ऑन वीकली ऑप्शन, डोंट ट्राई दिस ऑन वीकली ऑप्शन, कभी नहीं। एक चीज और है मैं इसे बोलना भूल गया कि अगर आप ये पोजीशन बना रहे हो ना, लाइक 3% का मैंने टारगेट दिया आपको, मान लो एक हफ्ता, इसमें हार्डली ना एक हफ्ते का रिस्क होता है, जनरली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर एक वीक तक आपका ट्रेड रह गया ना 400-500 पॉइंट की रेंज में, मतलब फ्राइडे टू फ्राइडे रह गया, फिर आपको कोई लॉस दे ही नहीं सकता, फिर बड़े आराम से टी प्लस रन अपलिफ्ट हो जाती है, ऊपर जा रहा होगा ना यहाँ पे आ भी रहा होगा ना, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा,
क्योंकि रेशियो के शेप में है तो वो ऊपर जाता है, कोई दिक्कत नहीं देता, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि अगर हमने मान लो फ्राइडे ट्रेड डाला था, तो मान लो हमने फ्राइडे ट्रेड डाला ना रोहित भाई, तो हम आखिरी एक्सपायरी तक नहीं बैठेंगे, हम हार्डली जो जाएंगे, हमें 3% प्रॉफिट मिले या ना मिले, हम ये थर्सडे या फ्राइडे को ट्रेड को कट करके, आई थिंक दैट मेक्स सेंस एक्चुअली, हमें 3% प्रॉफिट मिले या ना मिले कुछ भी करने के बाद, अगर हम आखिरी वाले एक्सपायरी में नहीं जाएंगे, 29th का है ना, हम 23 के पहले पहले एग्जिट ले लेंगे। मतलब ट्राई करो कि जनरली देखो, जनरली आ जाता है 10 दिन में प्रॉफिट आ ही जाता है जनरल सिनेरियोज में, बट अगर नहीं आया, आईवी बढ़ रही है, कुछ मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी है, वैसे सिनेरियोज में आप ट्राई करो कि एक्सपायरी से 10 दिन पहले एग्जिट ले, क्योंकि प्रॉफिट 20 दिन में आना होता तो आ जाता, नहीं आया तो अगले लास्ट के एक्सपायरी में जाओगे ना, वरना वहाँ रिसेंट्री का मौका देगा वो, गामा इतना हाई होगा कि एक बड़ा मूव आपको लॉसेस दे सकते हैं, तो हमें बड़े लॉसेस को लेना ही नहीं है, तो हम पहले ही 10 दिन एक्सपायरी से 10 दिन पहले हम एग्जिट ले लेंगे, और फिर 10 दिन तक हम बैठे रहेंगे, वेट करेंगे एक्सपायरी होने का, और उसके अगले दिन हम फ्राइडे को ट्रेड, ठीक है रोहित भाई। तो इससे जो एक्सपायरी वाला आपको बोला ना कि गामा और ये इंजेक्शन जो लग रहे हैं, इन सबसे बहुत दूर रहोगे, बहुत हाथ जोड़ के दूर रहोगे, कुछ भी हो मेरा गामा नहीं आ रहा मेरे को, हाँ बिकॉज लास्ट वीक में आके तो फिर वो शिट शॉट शुरू हो जाएगा उसके अंदर, तो फिर आपको जो आपका अगर प्रॉफिट हुआ भी होगा तो वो भी टूटना शुरू हो जाएगा, चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है एकदम। मतलब आपकी 2.5% की आई हुई प्रॉफिट और एक बड़ी मूव सारा 0.5 पे बैठा देगी। सो गाइस, दिस वाज द स्ट्रेटजी जो आई थिंक मैं समझना भी चाहता था, एंड हमने इसके अंदर बहुत डिस्कशन की है, वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग फॉरवर्ड ऑल द पिटफॉल्स एंड ऑल द एडजस्टमेंट्स दैट वी कैन डू फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। डू लेट मी एंड कुंदन नो कि आप इस स्ट्रेटजी के बारे में कैसे सोचते हो। मुझे लगता है कि ये लोग, ये स्विंग ट्रेडिंग वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, जो लोग स्पेसिफिकली ऑफिस जाते हैं और उनकी कंप्लेंट रहती है कि हम ट्रेड कैसे करें, बहुत सेफ वे है। व्हाटएवर कुंदन सेड, आई एग्री विद हिम 100% ऑन द बाइंग एडजस्टमेंट, ऑन द टाइप ऑफ एडजस्टमेंट ही इज डूइंग, बिकॉज समवेयर आज की रिजीम इस तरीके से डिजाइन हो चुकी हुई है, दे वॉन्ट यू टू डू मोर सेल साइड एडजस्टमेंट, जो कि हमें करना नहीं है, हमें अपनी फील्ड पे आके खेलना है, ठीक है। एंड इन दैट वे दिस थिंग इज वेरी गुड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, पुट इट इन द कॉमेंट्स, me and Kundan will try to answer that, and do let me know what kind of video you want next in our upcoming episodes. We will do more sessions also, so that aapko kuch relevant iske andar mil sake. Thanks a lot Kundan, let's see how we get the response for this thing. Thanks a lot for being with us. Thank you so much Rohit bhai, thank you. Main mujhe hamesha aapse baat karke aur discussion karke kuch na kuch seekhne ko milta hai, ek naya perspective milta hai. Jaise maine wo extra buying wali jo cheez thi na, maine सोचा था कि डेल्टा न्यूट्रल करके चला जाऊंगा, राइट, वो हो जाएगा, बट आपने बोला कि यार बुलिश है मार्केट, इसको कुछ करो, ठीक है अगर आपको ये लगता है तो आप ऐसे करके भी जा सकते हो, हमेशा एक एक फन इंटरेक्शन और आपको कुछ ना कुछ समझने को सीखने को मिलता है, तो थैंक यू सो मच, ऑलवेज इट्स माय प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू सो मच। आजकल ना मैं एक मैंने एक मतलब कि ना चीज ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर नोट की है, एंड आई एम गोइंग टू लेट दिस बी पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, ठीक है। मैंने बहुत कम ट्रेडर्स देखे हैं जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते वक्त आज के टाइम के अंदर चार्ट्स को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। और मैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज को बाद में कंसिडर करता हूँ, चार्ट को पहले कंसिडर करता हूँ। एंड अब जब मुझे कोई नया कंसेप्ट पता चलता है ना कि कोई कंसेप्ट क्यों वर्क कर रहा है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में अल्टीमेटली वी नो प्राइस इज एवरीथिंग, तो मेरे दिमाग में ये बात हमेशा चल रही होती है कि अगर ये हो रहा है तो प्राइस पर्सपेक्टिव से क्यों हो रहा है। सो व्हेन यू सेड ना कि ऊपर की तरफ को ये स्क्यू है हल्का सा, वो स्क्यू क्यों था, दैट केम टू माय माइंड इमीडिएटली, दैट्स व्हाई। अब नहीं बिल्कुल, मैं भी मतलब देखो जैसे ना मैं डेटा वगैरह नहीं देखता, ठीक है, ऑल्दो डेटा आता है, ऑप्शन एनालिसिस वगैरह सब कुछ समझ में आती है, बट मैं ट्रेडिंग में उसको यूज नहीं करता। मेरा ट्रेडिंग का सिंपल एडजस्टमेंट करने का जो तरीका है, मैं प्राइस देखूंगा, इंपॉर्टेंट सप्लाईज और डिमांड जोन देखूंगा, और वो उसी को मैं उस वही मेरा ट्रेड प्लान होता है। आई नो एडजस्टमेंट्स, बट मेरी ट्रेडिंग होती है चार्ट्स के थ्रू। चार्ट्स अगर जो बोलेगा मैं उसको फॉलो करता हूँ, अगर मुझे लग रहा है चार्ट्स बुलिश है तो अपने एडजस्टमेंट्स भी उसी हिसाब से होंगे, डजंट मैटर डेटा क्या, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस को देख के ही चार्ट्स भी डेटा भी बनते हैं और सब कुछ होता है। तो मेरी ट्रेडिंग में 70% चार्ट्स का रोल होता है, 30% तो एडजस्टमेंट्स आपके थॉट प्रोसेस में एक बार आ गए तो वो होने लगती है, लेकिन चार्ट्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एंड क्रूशियल आज के टाइम पे माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर नॉट वर्किंग, बिल्कुल नहीं वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो मेजर सप्लाई जोन डिमांड जोन है आज भी वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। इट जस्ट कि आपको अपने टी प्लस जीरो लाइन को वैसे थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा कि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में वॉलेटिलिटी है ना उसको आप फिल्टर आउट कर सको, तो आप थोड़ा पीसफुली ट्रेड कर पाओगे, तो मेरा मानना है। अग्रीड। चलो इन चीजों को हम लोग और करेंगे, लास्ट टाइम भी जब हम लोग सेशन करने बैठे थे तो वो 1 घंटे 15 मिनट का बन रहा था कट कटा के, तो ये भी उतना ही बनेगा, मजा आएगा। एनीवे चलो थैंक्स अ लॉट, है ना।